अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और आपको कहते हैं खुशामदीद एक नई सुबह के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला दिन जो है वो अच्छा गुजरा होगा। मुझे कहते हैं इकरा हारिस, और रोज़ाना मेरी आपसे इस शो में मुलाकात होती है कुछ नए चेहरों के साथ, नए मेहमानों के साथ, और हम कोशिश यही करते हैं कि उनकी अकॉम्प्लिशमेंट, उनकी अचीवमेंट्स आपके सामने रखी जाए, उनसे पॉजिटिव पाकिस्तान के बारे में बात की जाए। और जब हम ये बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को भी पॉजिटिव करें, अपनी सोच को भी प्रोग्रेसिव करें, चाहे वो हमारे घर के लिए है, हमारे घर की खातून के लिए है, या हमारे बच्चों के लिए भी है। तो कोशिश किया कीजिए कि जब भी सुबह के दिन का आगाज़ करें, और अगर आपके घर में बच्चे मौजूद हैं और आपके ख़ुद भी बच्चे और माँ बाप भी हैं, तो अपने बच्चों को एक ऐसी अच्छी सोच दें, ऐसी अच्छी प्रोग्रेसिव सोच दें या पॉजिटिव थाट दें, जिससे उनकी ज़हनी नशोनुमा भी हो सके। बिकॉज़ एक यही एज होती है ना जब बच्चों की सोच पुख्ता होती है और उन्हें उसी सोच के साथ आगे बढ़ना होता है, और फिर वो जवानी में कदम रखते हैं, लड़कपन में कदम रखते हैं। तो उससे पहले छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें बताएं, उन्हें अपने दीन के साथ कनेक्ट करें, अपने मज़हब के साथ कनेक्ट करें। बिकॉज़ हमारा मज़हब पूरा अल्लाह ताला ने मुकम्मल करके हमें अदा किया है, कौन सा ऐसा पहलू नहीं है जिस पर हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने फोकस नहीं किया हुआ। उन छोटी छोटी चीज़ों को शेयर कीजिए, छोटे छोटे वाक़ियात को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं हमारे माशरे के, उनके अंदर ये पॉजिटिविटी पैदा हो और वही पॉजिटिविटी को आगे लेके चलें। और इसी के साथ जनाब, बहुत ज़रूरी है आपको ये बताना कि आज हमने आपके लिए कौन सी जगह सेलेक्ट की है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन की जाने। तो जनाब, जो जगह आज हम आपको दिखा रहे हैं वो है जामिया मस्जिद अल सादिक, बहावलपुर में ये है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। पहले देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। तो जनाब, जामिया मस्जिद अल सादिक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में ही, जिन्हें फ़नून लतीफ़ा से प्यार है, आर्किटेक्चर से प्यार है। और इस मस्जिद को देख के जो सफ़ेद रंग की खूबसूरती नज़र आती है इस मस्जिद को देख के, क्या ही बात है। तो अगर आप बहावलपुर के रहने वाले हैं या फिर जाने का इरादा रखते हैं, तो जनाब इस मस्जिद को ज़रूर विज़िट कीजिए। एक शाहकार है ये मस्जिद, एक खूबसूरत मस्जिद है, और बिल्कुल मिस करने वाली जगह नहीं है। और इसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आपने ब्रेक के बाद वापस आना है, बिकॉज़ हम आपको आज के मॉर्निंग गेस्ट से मिलवाएंगे। तो जनाब, यहाँ पर वक्त हुआ है आपको आज के गेस्ट से मिलवाने का। हमारा सेगमेंट है मॉर्निंग गेस्ट, जिसकी जानिब चलते हैं।
तो जनाब मेरे पास आज दो दो हैदर मौजूद हैं, उनके सर नेम हैदर हैं और दोनों ही होस्ट हैं। दोनों को ही आप टीवी पर भी देखते हैं, पसंद भी करते हैं। दोनों का अपना अपना अंदाज है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और हर इशू पे, और जब करंट अफेयर्स पर बात करनी हो, सोशल इश्यूज पर बात करनी हो तो खुल कर ये लोग बात करते हैं। और उसके अलावा एक तो आप प्रोग्राम होस्ट करते हुए भी देखते हैं, एक का खबरनामा पढ़ते हुए भी देखते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगी, जनाब अली हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तज़ियाकार हैं और इसके अलावा इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और बस बजा देते हैं जिसकी भी यूट्यूब पे ऊपर आके इन्होंने बजा दी हो। बहुत शुक्रिया आपका। आप मैं इसके बाद घर ना जाऊं, नहीं जरूर जाइए आप और दमंग अंदाज में जाइए। और सलमान हैदर साहब जी मेरे साथ यहाँ मौजूद है, वेलकम टू द शो सलमान। पहली दफ़ा मेरी इनसे मुलाकात हो रही है लेकिन चूंकि हमारी फील्ड एक है इसलिए वैसे हमारा इंटरेक्शन अक्सर स्क्रीन्स के थ्रू काफ़ी रहा है। माशाल्लाह ये चैनल के साथ एसोसिएटेड हैं, इसके अलावा इनको ये शर्फ भी हासिल है कि हमसाय ममालिक ने इन्हें बैन भी किए रखा है, दुश्मन नंबर वन का बैन भी किए रखा है। तो हम जी इन दोनों से बात करेंगे। तो सबसे पहले अली कैसा जा रहा है? प्रोग्राम भी कर रहे हैं, यूट्यूब भी कर रहे हैं, जो मैंने जो पहले कहा कि आप हर किसी के बारे में कुछ भी बस धड़ल्ले से कह देते हैं, डर नहीं लगता? मुझे पता ये इल्ज़ाम है या तारीफ है? ये नहीं, वैसे ये तारीफ है बिकॉज हर इशू पर अली ने बात की है। थोड़ा डर लगता है कि हर कोई तनकीद करेगा। देखिए जिस दिन सलमान भाई मुझसे सीनियर हैं सहाफत में, तो जिस दिन आप सहाफत, और ये बाकियों के लिए भी मैसेज है कि अगर आप सहाफत में कदम रख रहे हैं मेरे भाई, तो डर को वापस घर छोड़ाओ या किसी और के हवाले कर दो। फिर अगर आपने डर के जो किया वो फिर सहाफत नहीं होती है, फिर वो तरले मिनते होती हैं। तरले मिनते करनी है तो फिर उसके लिए और बड़े शोबे और बड़े पेशे हैं। सहाफत करनी है, डर आपको खोना उसके लिए छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, अगेन आपसे लोग उम्मीद रखते हैं क्योंकि वो आपसे कनेक्शन एक बना लेते हैं अपना। वो उम्मीद रखते हैं कि यार जो बात हम कह नहीं पा रहे, जिस चीख को हम आगे पहुंचा नहीं पा रहे, ये वो हमारी बात पहुंचाएगा। और अगर वो जो जिस पे तकिया किया हुआ है, लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है, अगर वही खामोश होके दबे लफ्ज़ों में, या कहते हैं ना मिंसिंग द वर्ड्स, अगर वो यूं करके बोलेगा तो फिर वो आप उनकी तर्जमानी नहीं करते। अच्छा, ये कनेक्शन एक बिल्ट हो जाता है पब्लिक के साथ। ऐसा होता है कि कई दफा हो सकता है कोई इशू आपकी नजर से ना गुजरा एंड समबडी हैव कम एंड अपसेट कि आपने इस पे बात नहीं की। अच्छा, मुझे ना लोग जो है ना वो मुझे मैसेज करते हैं, आई एम श्योर सलमान भी को भी करते होंगे। अच्छा, उस इशू का उनको पता है। अभी हाल ही में एक इशू था, एक शख्स ने, इट्स अ मॉर्निंग शो, इस पे वो बात करनी नहीं चाहिए ज्यादा, एक शख्स ने अपनी 7 दिन की बेटी को जो है वो मार दिया। अच्छा, लोगों को इसको पता है लेकिन वो मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि आप इस पे वीडियो करें, आप बात करें। मतलब दे, ऐसा नहीं है कि उनको इस खबर का नहीं पता, दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि मैं उनको बताऊंगा, बट दे वांट मी और दे वांट सलमान भाई और समवन एल्स ऑफ अथॉरिटी टू टॉक अबाउट इट। तो इसका मतलब है कि वो कनेक्शन बन चुका हुआ ना, वो चाह रहे हैं कि यार ये नकारा खुदा बने, ट्रस्ट लेवल ये बात करे हमारे लिए। वो मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार लोगों का ये कॉन्फिडेंस है हम पे, और अल्लाह करे ये कॉन्फिडेंस हम मरते दम तक कायम रख पाए। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी भी बन जाती है ना, एक जब आप ट्रस्ट लेवल एक बिल्ड कर लेते हैं अपनी ऑडियंस और पब्लिक के साथ, तो वो एक जिम्मेदारी आपके कंधों पे हो जाती है, और अगर आप ना पूरी कर पाएँ तो वो फिर एक ज़मीर पे भी बोझ रहता है। अच्छा सलमान, हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड? इंटरनेशनल मीडिया से पाकिस्तान आ गए और उसके बाद ऐसा आ गए कि फिर शुरू ही कर दिया न्यूज़ एंकरिंग, सोशल मीडिया, कैसे हुआ ये सब? अच्छा, ये कभी इतना कोई खास प्लान नहीं था। और मैं इससे पहले कि वो बताऊं, तो आज आपके तवस्सुस, आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से बताऊं कि मैं और अली बहुत अरसे से इकट्ठे, तो मेरा छोटे भाइयों की तरह, तो तरह नहीं है ही छोटा भाई। तो आज मैंने कहा स्क्रीन पे बात रजिस्टर हो जाए कि पूरी दुनिया क्वेश्चन करती है कि मेरी इसकी रिजेंबल मिलती है, मेरे इसकी आवाज मिलती है, जैसे आपकी रिजेंबलेंस पता किससे मिलती है? मिलती सबने है? मिलता है हमारा, नहीं हा? वो तो मिलता ही है, लेकिन इनकी रिजेंबलेंस जावेद शेख साहब से बहुत मिलती है जब अच्छा? वो आपकी उम्र में अच्छा? अब तो वो खैर अच्छा? सीनियर हो गए। तो ना मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि यस वी आर रियल ब्रदर, हमारा सरनेम नहीं है, हमारे लिहाज से बिकॉज दोनों के जुड़े हुए हैं, यस फैमिली बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट एक है, तो इस वजह से। तो ये अच्छा हुआ, ये पाकिस्तान में आया, मैं पहले बाहर पढ़ रहा था उधर बाहर इंग्लैंड में, पाकिस्तान आया तो हम पढ़ाई चढ़ाई कर रहे थे, तो इधर आके भी हमने कहा थोड़ी थोड़ी देखे हम तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ आ गई, तो CSS करने फेल हो गए हम लोग। पता चला नहीं भाई अपना चौकटा नहीं है ये वाला, तो बस फिर वक्त न्यूज ज्वाइन किया, फिर एक्सप्रेस। हाँ ये है कि तबीयत के मुताबिक जॉब मिली, तबीयत में थोड़ी अथॉरिटी थी, तबीयत में थोड़ा वो, मैं थोड़ा पुलिस फैमिली से हूँ, मैं सारे पुलिस ऑफिसर्स गए अच्छा। और मनियाल फौज से क्यों नहीं गए जब सब पुलिस में गए होते हैं ना, अब्बा पुलिस में तो बच्चा भी ना, मैं
हो गया था मैंने बड़ा मारना अली को पता है अब्बा ने कहा बस कर दो यार एक घर में इतने पुल सब सब नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो बट मैं सिस्टम के बहुत अग्रेसिव ये मैं आपको बताऊं अली के बाद अल्लाह ऐसे नहीं कहता कि उसने अब्बा जो नहीं कहीं ना कहीं कोई रब्त बन रहा होता तो जिस तरह अली बता रहा है इसी तरह ऐसा है कि मैं सिस्टम के बहुत अग्रेसिव हम अपने लॉन में वो परे पंचायतें देखते थे ना क्या हो रहा है बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था वो सिस्टम को इतना क्लोज मॉनिटर करके उससे टका के नफरत की टका के यानी इसीलिए आप फेल हो गए ओहो बहुत ज्यादा की तो फिर उस बात की चाहत ना हो ना कुछ करने की आप एम ही कर रहे हो बड़ों के लिए तुम कर लो यार ऊपर नहीं होता ये रूह थी सो फाइनली व्हेन यू हैव जॉइंड मीडिया तो वो तस्कीन हो गई रूह की कि यही करना था रोज करते हैं हम दोनों रोज तस्कीन ही हो रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह अब आए सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी तरफ से कि यार आपका वो वाक्या जो आपने अपने बचपन का शेयर किया फर्स्ट कॉलम मैंने कोई लिखा था जब मैं कॉलम लिखना शुरू किया तो वो और पुलिस चीफ की तरफ से उसका सॉरी करते हैं सिस्टम में बदला तो अभी भी इतना कुछ नहीं लेकिन हाँ वो दिमाग में आज तक है तो रूथ ही तो ये काम कर रहा है ऐसा ही है फिर अच्छी बात ये हो गई ना कि आपने वो एक्सपीरियंस भी गैदर किया और फिर वो जर्नलिज्म में आपके बड़ा काम आया ऑफ कोर्स वही तो बात है आप मेरा ख्याल है खुद स्क्रीन को तो ऐसे से आप हैंडल कर रही है आप उस तरह नहीं कर सकते और जो विदाउट किसी एक्सपोजर के विदाउट किसी उसके तो उनकी लाइफ भी आपने देख ली है स्क्रीन पे कितना अर्सा होती है कितना अर्सा होती है यही तो देखे ना अली अच्छा मैं इस स्क्रीन पे मैं अली से सीधे हूँ सोशल मीडिया की स्क्रीन में अली माशाल्लाह मुझे टिप देने वाला है यार ये मुझे बताने वाला अभी अभी ऑफ स्क्रीन पे भी नहीं बता रहा तो ये अल्लाह इसको जिंदगी से सलाम दे तो ये इसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है तो ये बोल लेता ना सम टाइम रात को करंट अफेयर करके आता है सुबह इसका बिहेव अली सॉरी माफ कर दे बड़ा फप्पे कूटने वाला इसका बिहेव होता है वो सोशल इशू पे पता नहीं किसी चीज़ पर और इसको कह रहा होता है ये कह भी रहा होता है देखिए मेरा हूँ करंट अफेयर्स का कि मुझे ये बात करनी पड़ी मैं क्या करूँ ऐसा ये ले ली तो अल्लाह ने इसको इतनी इज्जत दी और मगर इसका एक्सपोजर है ना सिस्टम के अंदर रहा है ना माजे साजों से गुफ्तगु करके स्पाई नहीं फिर अच्छी बात है आपने हर इशू को टच किया चाहे वो आइदर इज द स्कूल मैटर या कोई और बात हो हर चीज पे आपने बात की है इतना तो मुझे पता है कि डिबेटिंग से स्टार्ट हुआ आपका भी करियर आई एम नॉट रॉन्ग एफसी कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज से आपका वो सफर शुरू हुआ पता था कि मीडिया में ही आना है बिकॉज अक्सर डिबेटर्स आ उस टाइम के मीडिया में ही आ गए नहीं असल में ना उस टाइम से नहीं पता था हमें हम इंतहाई यूं कह लें कि वेले और बैक बेंचर्स नलैक होते होते थे लेकिन ये था कि हम एक कुछ लोग होते हैं जिनको ना एक्सपोजर लेने का शौक होता है खुद को एक्सपोज रखते हैं हर चीज में कॉलेज में हो तो सबसे आगे होते हैं लड़ाई हो तब भी आगे होते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो तब भी आगे होते हैं सिर्फ पढ़ाई के तो हम उसमें उस कैटेगरी में फॉल में करता था डिबेटर था मैं लेकिन आपको कभी कभी जिंदगी किस कोर्स पे लेके जाएगी बिल्कुल पता नहीं था यहाँ पे आज मैं इकरा हारिस के शो में सलमान भाई के सामने बैठा बात करूँगा ये तो बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था कि ऐसी इज्जत मिलेगी बट अगेन आप ये पता था कि कुछ ऐसा करूँगा ज़रूर कि नाम निकलेगा इतना मुझे पता था और ये अक्सर आप देखें कि जो वेले लोग होते हैं ना उनको ये पता होता है कि हमने अगर वो नहीं किया ना तो कुछ और ऐसा करेंगे नहीं वैसे डिबेटर्स बिल्कुल वेले लोग नहीं होते मैं खुद भी डिबेटर थी तो वेले लोग बिल्कुल नहीं होते अच्छा लेकिन ये है कि इट्स दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग मुझे ये लगता है कभी कभी कि आप ना अपने आप को ये बड़ी पे अनऑर्थोडॉक्स बात करने जा रहा हूँ शायद कुछ व्यूवर्स जो है वो कहें यार ये क्या बात कर रहे हैं आपको ना अपनी जिंदगी खासतौर पर जब टीनेज में होते हो कोशिश करें कि अपनी लाइफ का गोल पर्टिकुलरली प्लान ना करें कीप योर सेल्फ ओपन टू द ऑप्शंस जब आप कह लेते हैं ना अच्छा मैंने इंजीनियर ही बनना है आप पांचवीं क्लास में होते हैं या दसवीं का इम्तिहान पास मैंने डॉक्टर ही बनना है नहीं ऐसे नहीं करें यू माइट बी केपेबल ऑफ समथिंग मोर देन दैट यू माइट बी एबल टू डू समथिंग बेटर देन दैट तो अपने आप को कीप योर सेल्फ ओपन फॉर द ऑप्शंस हम लोगों के साथ ये था कि हम मैं और मेरे पंटर दोस्त जो थे उस जमाने के हमने अपने आप को ऑप्शंस के लिए ओपन रखे हम हर चीज कर सकते हैं सबसे ज्यादा पंटर तुम खुद थे आप बंटर थे हम बंटर थे क्योंकि अच्छा उसी चीज ने एक्सपोजर दिया मुझे आप सलमान भी बात करें ना कि हर छाजे माजे का पता बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हर किसी के पास बैठना हर किसी के पास जाना हर तरह के लोगों से मिलना दोस्तियां भी वैसी पाली उस जमाने में पाली हुई थी हमने और थोड़े अथरे भी थे फटे फटे भी कर लेते होते थे तो पता लग गया सिस्टम कैसे चलता है और सिस्टम की देखिए सिस्टम में लूप होल्स होते हैं
वो स्ट्रीट बॉय को पता होते हैं वो लूपहोल्स, वो एक आम बच्चा जो कि घर की छत्र छाया में पढ़ रहा है उसको उस सिस्टम के लूपहोल्स का कहां कहां पे खामियां हैं, क्योंकि वो उन सिस्टम के लूपहोल्स को पहले अपने लिए इस्तेमाल करता है अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, बाद में जब वो मैच्योर होता है बड़ा उसे पता होता है अच्छा ये अगर यहाँ से कोई हरकत हो रही है तो फिर यहाँ से इसकी वजह ये होगी। इट्स अ गुड जर्नी। और अक्सर सोर्स जो होता है जर्नलिस्ट का लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी बहुत मुश्किल काम है। न्यूज एंकरिंग इज डिफिकल्ट। हमने हुआ ये है कि ना सलमान भाई उस दौर के हैं कि जब न्यूज एंकर्स आना शुरू हुए थे, बिल्कुल स्टार्ट जब मीडिया का आपने हुआ, फिर मैंने इसे सीखा बहुत, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। मुझे आज भी याद है 9 बजे का बुलेटिन करने से पहले मैं इनके पास आया था, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि कुछ नहीं तू कर लेगा, मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, अरे 9 बजे का बुलेटिन इनके साथ ही मैंने किया था सलमान भाई के साथ। तो मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल काम है और हमने, मुझे शायद किसी को बुरा भी लगे, सीनियर्स के अलावा उसके बाद जो एक खास एक लॉट आई है उन्होंने उसको सिर्फ रीडिंग और फिर बाद में अपने आप को इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर जो है वो फेमस करने के लिए बना लिया। नहीं, न्यूज एंकरिंग इज वेरी सीरियस जॉब, इट्स अ वेरी टफ जॉब। प्रोग्राम एंकरिंग में ये होता है कि आपको थोड़ा माइलेज मिल जाता होता है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है कि यू हैव द प्रेशर फॉर द रेटिंग, वो आपको ले। न्यूज एंकर अगर आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है रेटिंग, वो डायरेक्टर न्यूज की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप प्रोग्राम एंकर हैं तो फिर आपको रेटिंग जो है, या यू कह लें कि योर प्रोग्राम शुड बी वॉच्ड, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक इट वॉचेबल, वो करना एक वो उसमें तख्लीकी आपका पहलू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता होता है। वो एक दोनों डिफरेंट डोमेन्स हैं और दोनों मैं समझता हूँ कि मुश्किल है। आई एंजॉयड बोथ, मैंने वो भी बहुत इंजॉय किया था, मैंने ये भी बहुत इंजॉय किया है, लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा कि आप अब मैं देख रहा हूँ कि ना एक खेप है हजारों स्टूडेंट्स की जो कि मीडिया स्टडीज कर रही है। आप किसी भी मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में चले जाएं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के, आप क्या बनना चाहेंगे, एंकर बनना चाहते हैं। हाँ, और उस टाइम पे ये एहसास नहीं होता कि हर कोई एंकर नहीं बन सकता, लेकिन आगे जगह भी नहीं है। इस दौर में लगता है कि हर कोई एंकर बन सकता है। ये अब आप एंकर बन सकते हैं, इसमें अगर फोन है आपके पास, स्मार्टफोन, उसमें इंटरनेट है, उसका कैमरा वैमरा काम करता है, आप कुछ भी बन सकते हैं मेरे भाई। तो अब पहले एक टाइम आया था एहतियात के साथ कुछ भी नहीं बोल देना ना, वो कुछ भी बन रहे हैं आजकल, वो पता बन रहे हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ये लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कुछ गलत नहीं बने, थोड़ा सा एक्सपोजर इन्हें है। अच्छा, मुझे ये बताइए सलमान, अब आप यूट्यूब पे जब बैन हुए, कितना एजाज महसूस हुआ जब दुश्मन ममालिक ने आपको बैन कर दिया? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं, मुझे नहीं मालूम था इस बात का, बिलीव मी और नॉट, मैंने कभी सोशल मीडिया को नहीं देखा। अब मेरी, आप मेरा इंस्टाग्राम देख लें, आपको पता ही नहीं मैंने किस ज़माने से मैंने पोस्ट नहीं की। तो अभी अली ने ताना भी मार दिया, जो शो के एंकर होते हैं वो चले जाते हैं। तो यूट्यूब भी मैंने उसी दिन देखा जिस दिन मैंने यूट्यूब किया, ये भी बात होता। तो मुझे इससे पहले मैंने यूट्यूब पे जाके ये सारे काम मैं नहीं करता था, नहीं पता था। पता थे, मैं करता नहीं था, मैं बिजी इतना था दूसरी अपने फैमिली लाइफ में और इन सब चीज़ों में। तो उस दिन भी जब मैं आया हुआ तो मैं जैसे ही दफ्तर में एंटर हुआ, और मुबारक हो, मैंने कहा क्या हुआ, तो देख सामने क्या चल रहा है, तो इंडिया के टीवी ब्लिंग 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 कर रहे हैं और मोदी साहब एक तकरीर कर रहे हैं और उसके पीछे मेरी तस्वीर चल रही है। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मुझे यार सलमान तुझे नहीं पता, मैं जासूस ने बना दिया। मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता इस बात का। उन्हें वो ब्लैंक कर रहे हैं, दुश्मन नंबर वन। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, किसकी आवाज़ सुनाओ। उन्होंने कहा ये तो तुम्हें भी सुना दे, पूरा लिंक सुनो जरा। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे समेत कुछ और चैनल्स भी थे जिनके ऊपर एलिगेशन थे कि हम इंडिया खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनफैक्ट हम कश्मीर के ऊपर बात कर रहे थे। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जो करना चाहते हो और प्लान्स में शामिल है बट समहाउ नहीं हो पा रही अब तक? होता ही है कि ना, मुझे ये लगता है खान साहब ने कहा था सुकून तो सिर्फ कब्र में ही है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया इसका। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक आप जी रहे हैं ना, तब तक कुछ ना कुछ करते रहे। जब पानी भी जब किसी जगह पे इकट्ठा हो जाए ना, तो बदबू छोड़ने लग जाता है, जोहड़ बन जाता है। आप रवा रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। और अगेन, मैंने अपनी ज़िंदगी को ना, या अपने एम्स को प्लान नहीं किया हुआ। ये बात शायद बड़ी अजीब लगे किसी को, वो एक मुझे नहीं पता शायद वो किसका फरमान है, मगर कौले मासूम ही है भाई,
कि बल्कि नहीं, ये किसी ने, किसी अफ्रीकन प्रोवर्ब है, ये कौले मासूम नहीं, वो एक और है, ये अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ टेल हिम योर प्लान्स। अगर आप अल्लाह को हंसाना चाहते हो ना, उसको अपने प्लान्स बताओ। अल्लाह हंसेगा कि यार मतलब तुम प्लान बनाओगे, मैं तुम्हारी ले। अब कौले मासूम ये है कि इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहिस्सलाम का कॉल है कि या अल्लाह मैं कौन होता हूँ तुझे मशवरा देने वाला, मैं दुआ सिर्फ इसलिए करता हूँ कि तेरा हुक्म मैं दुआ कर रहे, मैं कौन होता हूँ तुझे मशवरा देने वाला कि मेरे लिए ये बेहतर है ये ना, तू बेहतर जानता है। तो जिंदगी को प्लान नहीं किया हुआ। हाँ ये है कि जिंदगी अच्छी जीनी है, अच्छी जियो। आप यकीन कीजिए आपका वो लम्हा जिसमें आज मैं इकरा हारिस के सामने, सलमान भाई के सामने बैठा हूँ ना, मैं इस लम्हे को जीऊँगा, ये थोड़ी देर में माजी हो जाएगा ये लम्हा, और जो अगला लम्हा है वो थोड़ी देर का फ्यूचर है। यूं ही आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। वो जो हफ्तों की प्लानिंग और सालों की प्लानिंग, दिस इज हाउ आई लिव। और मेरा यही फंड है जी, बाकी सबके लिए भी ऐसे ही जिए आप सभी। आपने क्या करना है, सोचा है कुछ और भी करना है, एज इन इतना कुछ तो कर ही रहे हैं। बात तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे में 26 घंटे होने चाहिए, मुल्क का सदर बनना रह गया। 24 घंटे में से 26 घंटे होने चाहिए, कुछ करते नहीं है ना, आपने भी वही करना है। नहीं नहीं नहीं, 24 में से 26 घंटे होने चाहिए। मुझे समटाइम दिन बहुत छोटा लगता है। एग्री विद, समटाइम दिन ये मेरे साथ भी छोटा लगता है, बिकॉज बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना। बिल्कुल, क्योंकि अब उनको तवज्जो ना दें तो बच्चे तो सीधा कह रहे हैं जी। वो मैंने अभी इनसे पूछा अभी शो शुरू से पहले कि क्या एजेस हैं, तो कहते हैं मुझे इतना नहीं पता एजेस का, इतनी इतनी साल। किसे कहते हैं मसूफियत इकरा, मैंने ये होता है ये मयार रखना है अपने। पहले का मुझे ये पता, दो दो तीन तीन साल का क्या है, बाकी का मुझे, मैंने सच बोला और उन्होंने ऑनर ही पूछ लिया, तो ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका जवाब। मेरी बेटी स्कूल में ही पढ़ती रही है एक जमाने में, तो हमारा दोस्त काकरा भी होता था, तो वहाँ पे हमें अंदाजा है कि बड़ी मसरूफियत होती है जी। नहीं हम तो उम्र, हमें तो पता ही, हम तो एडमिशन कराने के तक भी लगे रहे, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लगा कि इन्होंने बड़े मासूमियत से कहा 10 हो 10 11, मुझे सही तरह नहीं पता उनकी। एक और मजे की बात बताऊँ, थोड़ी बिस्ती हो रही तो ठीक है। मैं आपको पता है मुझे, मैंने जिंदगी में कभी फल नहीं खरीदा, मुझे जिंदगी में कभी सब्जी गोश्त वगैरह मुझे नहीं खरीदना। जब भी अगर गलती से कोई कोशिश हो गई तो माशाल्लाह। अच्छा, एक और बात बड़ी मासूमियत से कही थी, बट अब वो मैं और बताऊंगी। एक दफा मेरे अब्बा ने, ये बात है, मैं फर्स्ट ईयर में था उस वक्त ना, और ये मतलब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अब्बा से पैसे ले रहा हूँ, फीस सब ले रहा हूँ। एक दफा मेरे अब्बा ने मुझे पूछा, बेटा तू कौन सी क्लास में है, और मैं शस्तर रह गया। हैरानी होते आप कि ये क्या, मतलब आपको पता है क्या, अब्बा को तो पता ही होगा ना कि मैं कौन सी क्लास में हूँ। आपके वाले साहब से पूछ रहे हैं आप कौन सी क्लास में हो, तो बेसिकली फैमिली से हम लापरवाह होते हैं कि ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही है। एक बात बताऊँ, इसकी अब्बा कमाल किस्म के उस्ताद भी, इसके अब्बा ने इसको तो गुम किया गया, मुझे भी जिंदगी में जो बात बताई बहुत बेहतरीन बताई। क्या बात है, सही मानो में अब्बा नहीं होते जैसे, अब्बा कम यार इसके, हमारे अब्बा तो पूरे अब्बा अब्बा थे ना, इसके अब्बा कम यार थे ना, तो नाल ही हाँ भाई पता कहते यार ये अभी किस डिजाइन की बातें कर रहे, किस डिजाइन की बातें कर रहे, हमको पूछना जाता था यार तुम्हारा हेयर स्टाइल ठीक नहीं लग रहा। हां तो ना की कर, हां न्यूज़ में पूछना जाता था यार टाई का कलर ठीक नहीं है और तेरे बाल नहीं सही आ रहे, मुझे फोन करके बोल देना। तो ये मुलाकात लाजमी बाबा ही बोलता हूँ, बहुत डैशिंग है, बहुत डैशिंग। क्या बात है जनाब, नहीं वैसे भी अली से ज्यादा डैशिंग है। चले जी फिर तो लास्ट मंथ, फिर तो हमने किसी दिन फिर शो में ही बुलाते हैं, इतनी तारीफें हो गई है उनकी ना जी। अब्बा के सामने ना गुफ्तगु चलती रहेगी, मौका दीजिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक, दो अमेजिंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अली, माशाल्लाह आपकी वाइफ भी बहुत टैलेंटेड हैं और मेरी तो खैर वो दोस्त भी हैं, ख़ुद भी वो एंटरप्रेन्योर हैं, वो इन मैनेजमेंट भी करती हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है आप मीडिया से और वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, फिर टाइम कैसे मैनेज करते हैं? बेसिकली ना वो जिसे कहते हैं ना कि घर फैमिली, मैं उसे कहता हूँ तुम वो मुर्गी हो जिसको ना हर वक्त अपनी फैमिली को अंदर वो परों के नीचे लेके उसका शौक है। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं पर अभी भी उनको परमिशन नहीं है कि उनका कमरा है कि उस कमरे में जाके सोएं।
वो ना कुछ उस तरह का उसका मिजाज है कि सब एक जगह पे इकट्ठे हों, मतलब हर वक्त फैमिली को यूनाइटेड रह के रखना है, उसकी उसकी एक आदत है। तो उस चीज़ में से मैं बड़ा ना इंट्रोवर्ट, बड़ा सिक्लूजन पसंद आदमी था, लेकिन उसने मुझे भी वैसे ही कर लिया कि हर वक्त जो है वो फैमिली के इर्द गिर्द घुसे रहो। मेरे माँ बाप को शिकायत रहती थी कि यार ये आता है कमरे में घुस जाता है अपने। उसने ना इस चीज़ से मुझे पुल आउट किया, बाहर निकाला। तो वो उसके एक दो तीन बिजनेसेस हैं जो वो रन कर रही है। फिर वो ये है कि वो मीडिया के हवाले से मुझे बड़े अच्छे मशवरे देती है। मुझे यही चीज़ उसकी अच्छी लगती है, समहाउ पता नहीं कैसे कि वो मुझे भी मजबूर कर लेती है और ख़ुद तो करती है कि हम अपने बच्चों को और बाकी फैमिली मेम्बर्स को, अम्मा बाबा सबको एक इक्वल इक्वेशन ऑफ टाइम हम दे पाएँ। ये हो जाता है पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि जो कहते हैं कि मैं टाइम नहीं दे पाता, जस्ट एन एक्सक्यूज, टाइम निकल आता हूँ। आपकी नीयत होनी चाहिए, आप अपनी फैमिली को टाइम। अब मैंने जिस तरह यूट्यूब का पूरा सेटअप अपने घर में बना लिया, तो मुझे पता है कि मैं छुट्टी वाले दिन भी अगर मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ या बाकी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, तो मैं हूँ अपने घर वालों की नज़रों के सामने ही। आप भले मसरूफ हो, लेकिन आते जाते चलते फिरते आप उनको पता है कि अब्बा इधर ही है, बेटा इधर ही है, भाई इधर ही है, वो घर में ही मौजूद है। काम आप करते रहो सर, किससे रोके आप? तो आप अगर चाहो तो आप मैनेज कर लेते होते हो टाइम। हाँ, ये और बात होती है आपकी वैसे ख्वाहिश नहीं है, आप रहना चाहते हो दूर फैमिली से, आप सेक्लूडेड हो, तो एक है। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। मैंने एक टाइम था, मैं इस्लामाबाद में था, मेरी बड़ी बेटी मासूमा हैदर वो तीन चार साल तक जो है वो यूँ कह लें कि मेरे बगैर ही बड़ी हो गई। तो जब छोटी बेटी पैदा हुई मोमिना, तो मुझे बड़ी ऑफर्स भी आई कि आप इस्लामाबाद में, कि नहीं यार मेरे बच्चे मेरे बगैर बड़े हो रहे हैं यार, आई डोंट वॉन्ट दिस। दे उनको हो के यार बाप सामने ही था, साथ ही था हमारे। ठीक है अगर आप कुछ चार पैसे कमा लेते हैं उनके लिए अच्छी बात है, मगर ये जो टाइम आप गवा देंगे ना वो दोबारा नहीं आएगा। तो बच्चे आपके बड़े हो गए आपके बगैर, तो कहेंगे अब्बा तू कितने से है, सानू नहीं थी चाहिए श्यामा, तू कितने से है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, जो बात अब्बा ने सिखानी वो अम्मा नहीं सिखा सकती। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो आपकी बेगम आपसे शिकायत करती है 26 घंटे तो आपको वैसे चाहिए? या मेरी बेगम बहुत अच्छी है, जिस तरह अभी तो इसके मुझे तारीफ करनी अच्छी है कि घर जाना है। एक सेकंड सर, पहले नहीं अली बता, इसकी बेगम वाकई बहुत अच्छी है। वजह ये की है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो इसके जैसी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत उसका ड्यू क्रेडिट उसको दिया कि ये वाकई आज़ाद मनुष्य आदमी था। ये सर्टन पैरामीटर से ज़्यादा किसी को इन्वॉल्व ही नहीं होने देता, खुद अपने आप को भी नहीं इन्वॉल्व होने देते। ये भी मैं आपको बता दूँ, बस ठीक, इससे ज़्यादा सोचना भी नहीं है। मज़ेदार है कि भाभी ने कैसे, इसने क्या, मुझे तो अल्फाज भी नहीं आते। आपको कैसे ट्यून किया ये बताइए मुझे, उसने आपकी वाइफ ने आपको कैसे ट्यून किया? यार एक बात बताऊं, तमगा मिलना चाहिए भाभी को, मैं मिला हूं ना भाभी से, मुझे पता है कि तो एक तो वो है बहुत अच्छी, इसमें कोई शक नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मैं उसके जैसा ले लूं। चलेंगे तो ये तो या वो मेरे जैसी नहीं है। आते होने चाहिए, नहीं तो फिर टकराव ज्यादा हो जाता। तो हमारा टकराव खैर इतना खास नहीं होता, मैं ही थोड़ा सा ज्यादा बोल बाल देता हूँ, अदरवाइज शी इज़ गुड। वो ना होती, उसने मुझे बहुत हैंडल किया और मुझे कंफर्ट जोन बनाती है, हर चीज़ में मेरा कंफर्ट जोन बनाती है। क्योंकि आपको तो खैर बहुत ज़्यादा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया को रन करना मुश्किल है, टाइम मैनेज करना, और वो सबसे औखा है ये। क्योंकि आपको वेल अपडेटेड, मैंने ब्रेक में इसको तीन चीज़ें बता दी, मैंने कहा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो उसके साथ हर चीज़ बहुत पल्स, और ये पूरा सिस्टम उसके अगेंस्ट है। जो लाइफ मैं, इकरा हारिस या अली गुजार रहे हैं ना ओरिजिनली, ये वाकई बड़ी बात है कि वह पूरे सिस्टम को इसके अगेंस्ट लेके आता है। हम इतने टाइम ओरिएंटेड, इतने पल्स ओरिएंटेड हैं, और तुम लोग की मसला ही कोई नहीं, 11 बजे शादी पे पहुँच जाओगे, ना भाई हम नहीं कर सकते। इसका प्रोग्राम 8:06 नहीं हो सकता या 10:06 नहीं हो सकता, 5 पे टिंग टिंग टिंग। हमें अब तो हम रोबोट बन चुके हैं ना, म्यूजिक के साथ है, और किस किस को बताएंगे? तो एक बड़ी बात नहीं कि इसकी बेगम मेरी बेगम, इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ है हमारी ना टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा, जिस चीज़ को उन्होंने बर्दाश्त किया वो हमारे मिजाज। आप भी मीडिया पर्सन है, ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त खड़े होते हैं, लेकिन ना बड़े ही बायपोलर किस्म का मिजाज हो जाता होता है कभी, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि हमारे बैक ऑफ द माइंड कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी चीज़ ने हमें डिस्टर्ब किया हुआ था, वो घर में आप और तरह का मिजाज आपका हो गया। तो जो हमारी बेगमात ने बर्दाश्त किया, हमारे मिजाज को भी बर्दाश्त किया, उसको भी उन्होंने अडॉप्ट किया टाइम के अलावा। तो वो हम, मैं तो भाभी को या अपनी बेगम को शाबाश देंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप बींग अ हस्बैंड उन्हें ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं, बिकॉज आजकल के ज़माने में तो ये भी नहीं होता कि
थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम भी होती है ना मर्दों की, नहीं देते। मैं खाली बोलते आपने आप नानुफ़का आप अपनी बीवी का कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसकी तारीफ करते हो उसके सामने या उसकी उसकी बैक पे करते हो तो ये आप वो उसका बहुत बड़ा हक है जो उसका अदा कर रहे होते हो, क्योंकि आप अपनी बीवी को जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ना ये उसका अश्रय शीर भी नहीं है कि जो आपकी औलाद पाल के प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा भी मैं आज आपके प्रोग्राम से कोई नसीहत कर दूं बुजुर्गों को, अच्छा हम लोगों ने बड़ी एक बदतमीजी अपनाई हुई है कि बीवी है तो उसका थैंक यू क्या करना, अच्छा या अपनों में नो सॉरी नो थैंक्स, बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान अगर आप तर्जुमा तफसीर में पढ़े सॉरी और थैंक्स है जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, दुनिया का रिश्ता कायम ही नहीं रह सकता सॉरी और थैंक्स। सबसे पहला सवाल जो मर्द से होना है वो बीवी के हकूक का होना है, नहीं कुड़िया तो भी होना है, कोई गल नहीं कुड़िया तो भी होना है, हद सारे साडू ही पसा लो। ट्रैवलिंग का शौक है आपको बहुत ज्यादा, कौन सी जगह पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत है? मुझे नॉर्थ में आप रोज ले जाएं कि चलो मैं नॉर्थ लेके चलता हूँ, मुझे सी साइड्स बहुत पसंद है। अच्छा मैं चाहूँगा कि मतलब बलूचिस्तान जाना हुआ, मेरा ख्याल है कि दैट इज़ द डिस्कवर पाकिस्तान में बैठ कर बात कर रहा हूँ, और हैट्स ऑफ टू यू कि आपने पाकिस्तान को दिखाया है पाकिस्तानियों को कि यार ये भी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान है। मैंने खुद कई चीजें देखी हैं लेकिन फिर इनकी नजर से देखते हैं तो लगता है कभी देखा ही। मैं डिस्कवर पाकिस्तान पे ही देख रहा था कि बलूचिस्तान के जो शोर साइड है सी शोर जो है, अब क्या दुनिया क्या दुबई की बीचेस और क्या कोई मालदीव्स की बीचेस सलमान भाई वहाँ पे डेवलप अगर उसको करें या वहाँ की जो कम्यूट है वो अगर आसान हो जाए कि यार मैंने गाड़ी पकड़ी बच्चे बीच में बिठाए और लो जी मैं एक लंबे ट्रैवल पर निकल चुक पड़ा हूँ, वो अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ इट्स एन अमेजिंग टूरिज्म प्लेस। नॉर्थ ले जाओ मुझे, समंदर किनारे बिठा दो मुझे और कहो तुमने यहाँ पे जो है वक्त गुजारना है, आई वुड लव टू। और मैं एक बात ये कहूँगा कि ठीक है सेविंग करो, पैसे जैसे जमा करो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बनाओ, बट ट्रैवल ज़रूर करो, मुल्क से बाहर भी और दुनिया को देखो, डिफरेंट कल्चर्स को देखो, खुदा की दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी बड़ी, इतनी वसी है, आपको एक्सपोजर मिलेगा, खुद जाओ अपने बच्चों को लेकर जाओ और आपको अपनी औकात का भी पता चलता है। हम अपने कुएं के में ना बहुत फूले हुए मेंढक बन के बैठे होते हैं यार, ऐसी इतों दे राजा ये वो, आप बाहर निकलो और लोगों को देखो, हमारा पहाड़ कहीं और है, हमारा मूड है इधर के, लेकिन हमारा पहाड़ कहीं और है। I love travel. I would love to. मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो अभी तो हम हमारे फील्ड ऐसे छुट्टियां नहीं कर सकते ज़्यादा। कितने देना है मौका? छुट्टियां नहीं मिलती ना, हमारा काम ऐसा है हमें छुट्टी नहीं मिलती है। मंडे टू फ्राइडे शो करना पड़ता है। आपको कौन सी जगह पसंद है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा? बिकॉज़ दुनिया तो आप फिरे ही हुए। मुझे पाकिस्तान की सबसे दी बेस्ट प्लेस जो है मुझे इस वक्त देवसाई लगी। मैंने पूरा पाकिस्तान फिरा हुआ है, मैंने पूरा पाकिस्तान, मुझे देवसाई से, और शायद वो मौसम भी ऐसा मजेदार था, मैं स्कर्दू से खुद गाड़ी ड्राइव करके स्कर्दू से गिलगित की तरफ आ रहा था और वाया उस तोड़ देव सही उससे खूबसूरत जगह नहीं भाई नहीं। किस शहर से आपका वैसे ताल्लुक है? किस शहर से ताल्लुक है? मेरा लाहौर से। लाहौर से, पक्के लाहौर? यस यस। लाहौर की क्या चीज पसंद है? लाहौर की क्या चीज पसंद है? होता ना हर शहर की अपनी कोई खसूसियत होती है। तो आप आशिक से पूछ रहे हैं महबूब की क्या चीज पसंद है? लाहौर तो इश्क है। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाएं मैं काफी फिरा हूँ भाई, लाहौर लाहौर है। और मजे की बात तो अब तो कराची वाले भी कहते लाहौर लाहौर है, देख लेना मीडिया के सारे लोग कहते वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना, क्यों? ये है कुछ ऐसा। वो कहते हैं ना कि ये जो किसी और से मोहब्बत है, क्या लाहौर से मोहब्बत? बट आपको जंग से मोहब्बत नहीं है? नहीं देखिए वतन कश्मीर है, अभी भी मिसाल है, अपना वतन अपनी बोली मेरी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इट्स नॉट द वन कि जो लाहौर में बोली जाती है पंजाबी, अपने दोस्त पुराने और वो पुराने बचपन जहाँ गुजरा है। लेकिन एक आप यकीन करें, आप मेरे मुझसे ना पूछे, आप भारतीय पंजाब में किसी दिन जाए और वहाँ पे कोई पुराना बाबा सिख बैठा होगा उसे पूछें आप क्या याद आता है, वो ये नहीं कहेगा चंडीगढ़ या अमृतसर, कहेगा लाहौर याद आता है। So what do you love in Lahore? क्या पसंद? अच्छा मैं बताता हूँ लाहौर का क्या है। अब तो चूंकि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हुई है लाहौर में, बहुत से लोग हैं हम जैसे जो रिटेन सलमान में तो यहीं के थे ना, आपको ना लाहौर आज से पहले आज भी कभी डेड नहीं मिलेगा। हाँ। रात को 2 बजे भी निकलेंगे ना कुछ ना कुछ जिंदा दिलाने लाहौर क्यों कहा जाता था लाहौर, यहाँ के लोग जिंदा दिल, अच्छा दे लव टू पार्टी, उनको किसी भी वक्त आप किसी भी मूड में होंगे ना
तू छट पर आ तू रोटी खवावा और कर्षण बोलो अकल का इस्तेमाल कम करते हैं यहाँ के लोग लाहौरी को ना कहा गया कि यार ये ना बेवकूफ है, ये उजड़ा है, ये गवार है, खुदा की कसम लाहौरी इन दोनों में तीनों में से कुछ भी, लाहौरी बड़ा स्मार्ट है, लाहौरी सिर्फ कर्टियस है। हम ना मैं बताता हूँ, हमें रख रखाव है, हम अगले की शातरबाजी को भी ना कहते हैं अच्छा मैंने पता है अप्लाइज कर देते हैं। तो लाहौरी जो है ना वो ड्रामा में जब भी कभी ड्रामा देखे ना आपको भी लाहौरी दिखाएंगे ना उसमें, तो आपको आप कहेंगे कि वो ड्रामा तो कराची से बन रहा है लेकिन लाहौरी जब पोर्ट्रे हो रहा होगा ना तो वो अजीब सी लैंग्वेज बोल रहा होगा, वो उजड़ सा देसी सा होगा, किस्म का दिखा देंगे आप उसको। नहीं, लाहौरी ऐसा नहीं है, लाहौरी जाहिरन आपको फील होगा कि वो ऐसा है लेकिन सर उससे अच्छा बिजनेसमैन भी कोई नहीं है, उससे अच्छा क्रिएटिव आर्टिस्ट भी कोई नहीं है। मैं समझता हूँ बाकी शहरों से भी मुझे उतनी मोहब्बत है, सियालकोट भी मेरा है, कराची भी मेरा है, दादू भी मेरा है, कोयटा भी मेरा है, हाँ पूरा पाकिस्तान में पाकिस्तानी पहले हूँ, केपी के वो खान साहब भी हमारा है, सब हमारे हैं। लेकिन अगेन मैं बींग लाहौर का रहने वाला मैं इसको अंडरमाइन नहीं होने दूंगा कभी। तो मुझे लगता है कि इस शहर में प्यार है, इस शहर में एक्सेप्टेंस है। एक और मजे की बात बताता हूँ आपको कि एथनिसिटीज लाहौर में बेशुमार हैं, बहुत ज्यादा। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता हूं, लोग अक्सर कराची का कहते हैं बट यहां बहुत है। उसकी वजह क्या है, आपको अगर मैं कराची का, मैं यहां पे बुराई नहीं कर रहा किसी की, यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे एथनिसिटीज ने इलाके नहीं बनाए हुए अपने, हम मिक्स रह रहे हैं, मुख्तलिफ लहजे हैं, उर्दू स्पीकर्स भी यहां पे रहते हैं, पठान भाई भी यहां पे रहते हैं, सिंधी, मुझे याद है जब कराची में साया सिख है यार, हां बिल्कुल एक दीवार है, बिल्कुल सरदार जी की फैमिली है, बिल्कुल मेरे नेबर। लेकिन आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी कि लाहौरी कल्चर में हर कोई रच बस जाता है और हर कोई एंजॉय कर रहा होता है उस चीज को, और लाहौरी कहता है कि आ जाओ यार, अभी तो वो फेस्टिवल्स नहीं होते, अभी तो बसंत नहीं होती है, अभी तो वो था तो क्या रंग, वो तो एक और ही रंग था, फिर लाहौर आपको, लाहौर पूरी दुनिया को वेलकम कर रहा था उस दौरान, बिल्कुल ऐसे। आई मिस दैट पार्ट। नहीं लेकिन खैर अब भी बहुत कुछ फेस्टिविटीज होती हैं, हम थोड़ा सा बिजी शायद हो गए हैं, हमारा रुझान उस तरह नहीं है। अब हॉर्स एंड केटल शो भी होने जा रहा है और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। अच्छा आप मुझे बता रहे थे कि आप प्रोडक्शन की तरफ भी चले गए हैं, अपना बुलेटिन आप खुद डिजाइन करते हैं, वैसे न्यूज एंकर्स बेसिकली थोड़े काम चोर होते हैं, मैं तो नहीं करती थी, व्हाई दिस, क्यों, मतलब एज एन बुलेटिन भी करना है, नहीं न्यूज बेस में नहीं आना, तो नहीं मैंने आपके साथ काम नहीं कभी किया लेकिन मैंने आपका फीडबैक हमेशा से सुना है, आपकी बहुत अच्छी हमेशा अपने काम में कमांड रहती है, लेकिन मैं बहुत मजाक था एक बार दो, अच्छा लगता है अपना किया हुआ क्योंकि वो है नहीं ना, अब हमें एक भी नजर नहीं आता। मैं और अली का उस्ताद बता कौन है पाकिस्तान में, ज़िया मोहिउद्दीन, किसको नसीब है ज़िया मोहिउद्दीन, ओह यस काशिफ साहब किसको, जिसने हमारे जीरो बम से ही कराए हैं, कौन कौन कौन, राहत काजमी साहब को किसने सिखाया होगा, हमारे वो उस्ताद हैं, फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर, स्काई, बीबीसी, रॉयटर्स, वो अपना अब किसी के बाली है, हम मुझे तो नहीं लगता भाई, अल्लाह दे उनको एक्सपीरियंस, लेकिन वो हमें बड़ा अल्लाह के मजा, उस्ताद थे ज़िया साहब ने और फिर सब अब्बा के बाद, सारे उस्ताद अब्बा के बाद, तो अब्बा सेठ के अच्छा इंसान वही बोल सकता है जो अच्छा लिखता हो, और अच्छा वही लिख सकता है जो अच्छा पढ़ता हो। तो इतने बड़े बड़े नाम आपने लिए, इंस्पिरेशन कौन है एंकर्स में, कौन बहुत ज्यादा पसंद रहा है स्पेशली आपकी फील्ड से रिलेटेड? सच्ची बोलूं कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ये वो वाली बात तो नहीं है मैं अपने आप की फेवरेट हूं। नहीं मैंने तो हम दोनों ने बताया, हमारा तो कोई प्लान भी नहीं था, हमारा प्लान भी नहीं था, डिजाइन अब लैदा लैदा ही है, ये भी मैं आपको बता दूं, आपको हमारे अंदर से कहीं कोई दूसरा एंकर नजर नहीं आएगा, अली नजर आएगा, सलमान, आप दोनों का इंडिविजुअल स्टाइल है, बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बताऊं, पाकिस्तान में कोई हमें मैच नहीं करता क्योंकि हमारे हाथ पैर बहुत ज्यादा खुल चुके हुए, ठीक है, अली के लिए तो, अली को तो इतने इतने हाथ, यार ये स्क्रीन क्राइम है जो जिसको हमने अब स्क्रीन स्टाइल बना दिया, अली के तो हाथ पैर इतने इतने चलने शुरू हो गए थे, स्क्रीन पे कहाँ आप चेन से ऊपर जाएं, इसका प्रोग्राम देखे ये यहाँ से हाथ लेके आया था आइस के बाद, इट्स अ क्राइम, मगर इसने वो कर दिया कि इट्स अ स्टाइल, अब कहे अली को कौन पकड़े, अब सब अली बनना चाह रहे हैं, तो ये बड़ी मजेदार चीज है, तो अब तो वो ट्रेनिंग नहीं है, वो चीजें नहीं और किसी के पास टाइम भी नहीं, मैं एग्री करूंगी, उस तरह कोई सिखाता भी नहीं है, अब एक्चुअली अगर हमें भी शायद कोई कहे हम ना सिखा पाए उस तरह, तो एक बात ये शायद अगेन किसी को बुरी लगी, मैं ये चाहूंगा, अब सलमान भाई जिस एंकर हैं, जिस चैनल में एंकर है,
वहाँ पे नए आने वाले एंकर्स को चाहिए नहीं कि घंटा बैठे उनके पास, नहीं भी उनके पास अगर टाइम तो हमने तो उस्तादों के जोड़ों में बैठ जाते थे, हम तो जान खा लेते होते थे। आज का जो नया आने वाला एंकर है वो क्यों नहीं बैठ रहा अपने सीनियर के पास, वो क्यों नहीं पूछ रहा, वो क्यों नहीं देख रहा कि सर मेरा ये क्लिप दिखाएं, जाके से दिखाएं सलमान भाई को कि यार आप सलमान भाई मेरा क्लिप देख के मुझे बताएं यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। सीखने की वो थोड़ी चाह भी नहीं है। हम लोग वो थे, मुझे अब ये तारीफ नहीं कर रहा, मेरी पूरी लॉट इस तक माशाल्लाह वो मीडिया के बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ हमने काम किया माशाल्लाह, ये वो लोग थे कि जो हमें नजर आता ना कि यार ये बंदा सीनियर है, हम जान खा लेते होते थे उस बंदे की कि यार इससे कुछ लेके जाना है हमने, ऐसे बिल्कुल कुछ सीखना है। अच्छा और वो सिखाने वाले भी तो थे ना, मतलब मुझे याद है कि मैं आती थी वापस तो हाँ मसूद रजा और सऊद जफर साहब जैसे लोग कानों पे लगा के मेरे बुलेटिन सुनते थे और हर लफ्ज के ऊपर बेइज्जती, यूं क्यों बोला है ये क्यों किया। आजकल ऐसे नहीं होता। मसूद को हम जिंदगी में कभी मसूद है, मसूद भाई, तारिक भाई, सलमान कहता था भाई ना कहे मैं अपने सीनियर्स का। आज भी हमारे सीनियर अगर मेरा कान खींचेंगे ना तो मेरी मजाल नहीं है कि मैं उफ करके अदब नहीं है तो आपको मिलता भी कुछ नहीं है, ये तो तब की बात। और इस पे खत्म है ये चीज, हजार के मजमे में ये यूं चीरता है सब रुक जाएंगे सलमान भाई, मालिक ने इसको इसीलिए तो करम है। बिल्कुल जी, आप दोनों ही माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में मुमताज हैं और हम तो आपको वैसे ही अडोर करते हैं। कुछ आखिरी बात शायद अच्छी करना चाहेंगे शायद प्रोग्राम के आप इससे पहले बुरी बातें शेयर कर रहे थे, इतना मेरा कमाल हो गया कोई दिल यार ये काट दो खुदा का वास्ते ये बात काट देना यार, हद हो गई, प्रोग्राम दोबारा कर दो इससे पहले क्या किया आपने यार इतनी देर तक। अच्छा आपसे बात शेयर करने का, अच्छा मैं यही कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बड़ों की बात जरूर माना करें, अपना इनपुट जरूर दिया करें, लेकिन अल्टीमेट अपने बड़ों की बात माना करें। मुझे ऐसा लगता है कि बादब ही बामुराद है, ये तो और है, बड़े ये की तो बात है। के साथ अल्लाह अपनी बिल डाल देता है, अल्लाह खुद ही कह देता है नहीं ये बड़ा है क्योंकि मैं भी बहुत होगा बड़ा हूँ, तो ये बड़ा है ना तो मुझे इसका भरम रखना है। तो कोशिश किया करें जो भी इरादा कर रहा हो ना बड़ा डाल दें बीच में, तो फिर बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। आप कुछ थॉट शेयर कर दें। मैंने एक बात तो सलमान भाई ने कर दी, वो भी दिल की बात थी मेरे, उन्होंने कर दी, उनसे कुछ मुख्तलिफ करना होगा। अच्छा मैंने पर्सनली एक चीज़ एक्सपीरियंस करना शुरू की है, इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। मैंने देखा ओवरऑल बतौर क्योंकि हमें ना कहीं ना कहीं सलमान भाई और हमारी या हम जैसे जैसों की ना आपकी भी इनफैक्ट आवाम की पल्स पे निगाह रहती है, पता चल जाता है कि आवामी मिजाज क्या है। हम ना आवाम हमारी उस लेवल पर जाकर ना हम एक बड़े नेगेटिव हो चुके हैं, हम हर चीज़ का नेगेटिव पहलू ढूंढते हैं, तनकीद करते हैं, उसमें नेगेटिविटी का आंसर बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिविटी है ही नहीं। हाँ। सेडिज्म जिसे कहते हैं, सेडिज्म कहते हैं कि आप ना खुद खुश रहें अगले को भी खुश ना देख सके, है वटामन वो बड़े कपड़े पा के फिरना है भाई, ये चीज़ नहीं। हमने ना अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिस अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे देर हो जाएगी आगे सिग्नल ही बंद मिलेगा, सिग्नल बंद मिलेगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वो पॉलो कोएलो ने कहा था ना कि जब आप जो आप सोचते हैं ना आप अच्छा सोच रहे हो गुमान अच्छा तो रिजल्ट अच्छा, पूरी कायनात उस चीज को मिलाने में लग जाती है आपको, पॉलो ने कहा और ये सच है। मैंने इंसान है अल्लाह मासूम है, मैंने ये अपने चिंदर ना चीज डेवलप की कि नहीं स्टे पॉजिटिव, इसका ये जो कुछ हो रहा है ना इसका पॉजिटिव एंड ही होगा, इंटरेस्ट में होता है। सो ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव रहोगे आप देख लीजिएगा आपके इर्द गिर्द के जो उलझी हुई गुत्थे हैं ना आपके जिनका आपको सिरा नहीं मिल रहा वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसलिए वो किसी ने कहा ना थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। बहुत शुक्रिया आपका और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे पहली नशस्त रही लेकिन बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। कोशिश करेंगे दोबारा से बुलाएं और अब इनको इनकी बेगमात के साथ बुलाएं ताकि और भी जो इनकी खुशाई होनी है ना वो भी जरा हो जाए और ये होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर हम बुलाएंगे। नाज़रीन इनको मैं कहूंगी खुदा हाफिज़ लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, प्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक और यहाँ पर वक्त हुआ है आपको किसी एक्सेप्शनल खातून से मिलवाने का, हमारा सेगमेंट है इंस्पायरिंग वुमेन, इसकी जानिब चलते हैं।
तो जनाब मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं वो हैं मदीहा अली साहिबा, ये डायरेक्टर हैं टीडैप की, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी इन्होंने की है और सिविल सर्विस इन्होंने 2010 में ज्वाइन की है। कैसा रहा ये टीडैप का सफ़र इनसे हम जानेंगे। वेलकम टू द शो मदीहा। पहले तो मैं चाहूँगी ज़रा हमारे व्यूअर्स को आप बताइए टीडैप क्या है। So, Trade Development Authority of Pakistan, TDAP, is a premier trade promotion organization of Pakistan. Throughout the world, there are different trade promotion organizations which help for the betterment and the development of trade of any nation. ठीक है। तो इसी तरह TDAP का भी mandate है for the promotion of trade and the industry and the different products which are being produced and made in Pakistan to the international community and the buyers and the clientele which is interested in buying made in Pakistan products. Acha jab ab hum made in Pakistan products ki baat karte hain, kyunki aap khud bhi khatoon hain, mashallah is director pe hain, थोड़ा सा मैं चाहूँगी खातून की पर्सपेक्टिव से हम बात करें। बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एग्जीबिशंस करती हैं या उन्होंने अपने बिजनेस नए सेटअप पे शुरू किए हैं, कल्चरली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके लिए टीडैप किस तरह असिस्ट करता है? सो टीडीएपी हैज़ फॉर द लास्ट सिंस इट्स इंसेप्शन टीडीएपी का अपना मैंडेट रहा है कि इट हैज़ ऑलवेज बीन प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। हमारी डिफरेंट फोर्टेज हैं, फॉर एग्जाम्पल इन ट्रेड डेलीगेशंस एग्जीबिशंस उसमें वुमेन कोटा होता है। 50% ऑफ द सब्सिडी एंड कोटा इज अवार्डेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अप्लाइंग फॉर स्लॉट्स टू अटेंड इंटरनेशनल डेलीगेशंस एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। उस हवाले से भी, और दूसरा ये भी है कि हमारे इवेंट्स के अंदर हमेशा वुमेन का सेगमेंट रखा जाता है, स्पेशली विद द न्यू स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क विच द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज़ अनाउंस्ड रिसेंटली। उसके अंदर भी वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन इनिशिएटिव का स्पेशल एक टास्क फोर्स भी टीडीएपी ने बनाई है दिस ईयर टू फर्दर दिस प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, 10th वुमेन एंटरप्रेन्योर एग्जीबिशन भी शुरू होने वाली है कुछ 17 से 18 मार्च के दौरान, उस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी, जो दिस इज़ कॉल्ड वैक्सनेट, वैक्सनेट ये शुरू 1999 में हुई थी जब ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान वॉज नोन एज एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। दिस इज़ अ नेम वेरी कॉमनली नोन इन द इंडस्ट्री। आफ्टर दिस ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी केम इन टू बींग, और ये 1999 से अल्टरनेटिव ईयर्स पे वंस इन कराची वंस इन लाहौर अल्टरनेटिवली थ्रू आउट दिस टू डेकेड्स इट हैज़ बीन गोइंग ऑन। This year it is going to be taking place at the Expo Center Lahore from the 17th to the 18th, and it is open to public, and we expect that we will have a very good footfall, and the public of Lahore and the Lahori Heights will come and visit this exhibition, because on this exhibition pe चित्राल से लेके सिंध के अंदरून सिंध के हर इलाके से वाबस्ता जो ख़वातीन हैं वो आके इधर अपना हुनर अपने प्रोडक्ट्स और अपना टैलेंट शोकेस करेंगी। सो यू विल बी एबल टू गेट द आर्टिफैक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड इवन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एग्रो प्रोडक्ट्स सर्विस सेक्टर All of these product categories are going to be represented. In this exhibition, में सिर्फ handicrafts और culture देखने को नहीं मिलेगा, innovation और technology से related चीजें भी मिलेंगी। Because अब ख़वातीन सिर्फ वो typical handicrafts और मलबूसात में नहीं, you know, they're not constrained to that. They have gone and ventured into service sector, technology, agro and supplements. आपकी फूड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तरक्की की है ख़वातीन ने। इसके अलावा इंजीनियरिंग साइड पे भी इनोवेटिव पैकेजिंग स्टेशनरी इस तरह के आइटम्स में, तो वी होप कि हमारा टर्नआउट बहुत अच्छा होगा एंड वी होप दैट दिस इवेंट विल बी सक्सेसफुल। अच्छा, आप चूँकि अब इसको हेड भी करती हैं, आपके प्लान्स में स्पेसिफिकली खातून के लिए क्या इनिशिएटिव्स शामिल हैं जो आप चाहती हैं उन्हें फैसिलिटेट कर सकें? अच्छा, इसके अंदर हम लोग वी फील दैट द कैपेसिटी डेवलपमेंट एस्पेक्ट एंड अवेयरनेस क्रिएशन अमंगस्ट द वुमेन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी असेंशियल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमने साइडलाइन एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज़ की हैं। अब वक्त ये आ गया कि कोविड ने हर इंसान को और हर मुल्क को सिखा दिया दैट आप सिर्फ you know in such times you cannot be constrained to the home. The internet and technology has connected women sitting in the home to the digital e-commerce markets. So on the sideline of these this Wexnet we have arranged a seminar jo aapko digital technology ki usage
ई कॉमर्स की मार्केटिंग और साथ में हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन, तो इसकी अवेयरनेस के लिए, ताकि आप यू डो नॉट नीड टू गो इन टू द मार्केट एंड रेंट अ स्पेस, आप अपने घरों की यू नो कम्फर्ट में बैठे हुए यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन टू द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी. ठीक है. अच्छा, एक शहरों की जो ख़वातीन हैं वो थोड़ी ज़्यादा अवेयर होती हैं, बट जो देहातों में मौजूद हैं, फिर उन रिमोट एरियाज़ में मौजूद हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी उनके लिए एक लग्जरी है, दे कांट एक्सेस, उनके लिए कुछ ऐसा काम कर रहा है आपका इदारा? जी, वी हैव TDIP के जो सब रीजनल ऑफिसेज हैं, दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट पाकिस्तान, इट्स नॉट जस्ट द मेन सिटीज़. वी हैव ऑफिसेज इन गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, सवात, देन वी हैव इन गिलगित, we have in Azad Kashmir, Mirpur Khas, तो सारे एबटाबाद इवन, तो हर इलाके में TDAP का एक दफ्तर मौजूद है. और थ्रू आउट हमारा मैंडेट एंड पॉलिसी इन ऑल ऑफ दिस ऑफिसेज इज़ द सेम, दैट इफ़ एनी वुमेन एंटरप्रेन्योर विजिट्स द ऑफिस एंड आस्क फॉर असिस्टेंस, आस्क फॉर टेक्निकल गाइडेंस, आस्क फॉर सपोर्ट एंड डेवलपमेंट, TDAP इज Always there to support them. तो बड़ी अच्छी बात है कि खातून के लिए, अक्सर हमें नहीं पता होता कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इतना अच्छा कोई इदारा हमारे पास मौजूद है जिससे हम कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं. अच्छा मदीहा, अपने लिए टाइम कैसे निकालती हैं इस पोस्ट के बाद? चैलेंजिंग जॉब है बिकॉज इनोवेशन भी चाहिए, इसमें हेल्प भी करनी है, सब कुछ करना है. सो डू यू लाइक टू ट्रैवल, टूरिज्म, फैमिली के साथ जाना पसंद है? Yes, as part of our job, promotion of Pakistani products means that going out into the market and exploring what is available in the separate regions. So, abhi we have recently we were planning a women exhibition in Abbottabad. Achha. So, uske liye I traveled over there, and it's beautiful. Aapko pata hai, Abbottabad in itself is a beautiful city, and udhar ki khawateen from the Haripur district. They were very forthcoming and they were very welcoming as well. So humne udhar initially abhi initial study ki thi. Let's see, we are ye Wexnet to larger scale pe hai, but we are also planning on smaller scale, smaller exhibitions, taaki un ilakon mein bhi hum jaake udhar ki communities ko jo idhar nahi pahunch pati Lahore mein, hum udhar ye jo trade ka concept hai wo udhar chote matlab smaller cities mein bhi लेके जाएँ और स्मॉलर स्केल एग्जिबिशंस करें, टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस के एग्जिबिशन में पार्टिसिपेट करना कैसा होता है, और उनकी स्किल डेवलपमेंट इसी से होगी थ्रू दिस इंटरेक्शन, ताकि वो फिर बड़े शहरों में आके दे कैन यू नो रेप्लिकेट एंड इम्प्रूव देयर डिलीवरी एंड कस्टमर सर्विस मैकेनिज्म्स. बिल्कुल जी. और अगर आपके पास ऐसे इदारे और ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि उससे काम भी कर रही हैं और वुमेन डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली कर रही हैं, तो उसे ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए. बहुत शुक्रिया मदीहा अली आपका. तो नाज़रीन, कोशिश यही करते हैं हम कि ऐसी खातून को बुलाएँ या ऐसी इंस्पायरिंग वुमेन को आपसे मिलवाएँ जो कि कहीं ना कहीं माशरे में किसी और खातून के लिए भी फ़ायदे का सबब बनती हैं. तो मदीहा का तो हम करेंगे शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट थम्स अप का, उसके जाने चलते हैं. तो जनाब, आज हम जिसे खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं, दाद देने जा रहे हैं, वो है एक पाकिस्तानी नौजवान. APS का जो वाकया है वो किसे याद नहीं है, उसके ये विक्टिम थे, सर्वाइवर थे, बल्कि इन्हें सर्वाइवर कहना चाहिए. अहमद नवाज ये पढ़ रहे थे जनाब ऑक्सफोर्ड में, और एजाज़ की बात ये है कि अब ऑक्सफोर्ड यूनियन के ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, और पहली जो प्रेसिडेंट थी ऑक्सफोर्ड यूनियन की वो कोई और नहीं थी, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, और उसके बाद अब अहमद नवाज साहब जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्रेसिडेंट. सो इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर द पाकिस्तान एज वेल. तो अपने तालीमी करियर में तो ये शानदार रिकॉर्ड्स बना भी रहे हैं, और ये भी रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है, और पूरे पाकिस्तान को आप पर फख्र है. थम्स अप टू यू. और इसके साथ हम लेंगे एक ब्रेक, और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक जनाब. और हमने आपको मस्जिद तो दिखाई ही थी आज श्रावणी वेकेशन के सेगमेंट के अंदर, और जब हम मस्जिद की बात करें
या फिर इस्लामिक आर्ट की बात करें, इस्लामिक कल्चर की बात करें, तो कैलीग्राफी एक ऐसा मॉडर्न आर्ट भी है और कंटेम्प्रेरी आर्ट भी है जिसके अंदर दुनिया भर में ऐसे शानदार आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनका काम जो है वो काबिल तहसीन है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की भी पहचान है, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं। मोहम्मद मुख्तार अली साहब ये कैलीग्राफ़र हैं और इन्होंने किताब भी लिखी है, और इसके अलावा इनका काम कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, किस किस कोने में पहुँचा है, ये हम इन्हीं से ही जानेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुख्तार साहब। सर आपका जी, सर कब से कर रहे हैं ये कैलीग्राफी आप? असल में खत्ताती जो है, कैलीग्राफी को उर्दू में खत्ताती कहते हैं, तो ये हमारा ख़ानदानी फ़न है। अच्छा। मैंने अपने वालिद साहब से सीखा और मेरे वालिद साहब ने अपने वालिद से सीखा, तो मैंने अपने बच्चों को भी, जिस तरह आपने फरमाया कि बच्चों को दीन की तरबियत और अखलाकियात की तरबियत, उसी तरह से मैं उसमें ज़रा सा ये इजाफा करूँगा कि बच्चों को आर्ट की और ख़ास तौर पर कैलीग्राफी की तरबियत भी देनी ज़रूरी है, कि इससे उनमें सॉफ्टनेस भी पैदा होती है, उनकी शख्सियत में एक तवाज़ुन पैदा होता है, और उनकी जो जमालियात की हिस है वो बचपन से खूबसूरत हो जाती है। तो बचपन से मुझे यानी ये शौक़ था शायरी का और ख़त्ताती का, तो यानी मुझे सीखने का मौका मिला पहले अपने वालिद के इदारे से, उसके बाद मुझे ईरान और तुर्की से बाकायदा तौर पर तरबियत हासिल करने का मौका मिला, और फिर तुर्की के एक कंपनी में मुझे तकरीबन 15 साल काम करने का मौका मिला। और एजाज़ की बात यह है कि मुझे मक्का क्लॉक टावर में और OIC की बिल्डिंग जो कि जद्दा में है उसमें एज ए टीम वर्कर काम करने का मौका मिला, एज ए कैलीग्राफर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस शहर के अंदर काम करना जहाँ से हमारी रूट्स कनेक्टेड हैं असल में रूहानी तौर पर भी और हर एक मुसलमान के लिए भी। तो सर जब आप खताती करते हैं, और मुझे तो सुन के भी बड़ा चबा लगा कि आपके वालिद साहब और फिर आपके दादा वो भी खताती करते रहे हैं, तो ये जो ख़ानदान से चलता आ रहा है फ़न आपके खून में जो शामिल है, उनको देख के आपको भी शौक़ पैदा हुआ कि आपने भी खताती करनी है? असल में जो अदबी और इल्मी या फ़नी माहौल होता है उसके असरात होते हैं, तो हम जैसा बच्चों को माहौल देंगे उनके नतायज उसी तरह से बरामद होते हैं। तो हमें क्योंकि एक अदबी इल्मी और फ़नी माहौल मिला, तो उसी के पेश नज़र हमें सीखने में जो है बड़ी आसानी रही, और सीखने के बाद हमने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जाकर खत्ताती का फ़न सिखाने का भी मौका मिला और परफॉर्म करने का भी मौका मिला। तो 2017 में इस्लामाबाद में OIC और एक टर्किश इदारा है IRSI का, उसके ज़ेर एहतमाम एक इंटरनेशनल कैलीग्राफी कॉन्फ्रेंस हुई और एग्ज़िबिशन हुई, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ खत्तातों में से 5 खत्तात सेलेक्ट हुए, और प्रेसिडेंट ने पहला नून वल कलम खत्ताती अवार्ड उनको पेश किया, तो उसमें मेरा नाम भी शामिल था। तो मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे खत्ताती के शोबे की खिदमात के हवाले से सिदारती अवार्ड दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है सर ये, और एजाज़ की भी बात है। तो सर आपके वालिद साहब और दादा का काम वो कोई नुमाया जगह पर डिस्प्ले हुआ है आज तक? हाँ बिल्कुल, यानी मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स में इंडिया में और तुर्की में और पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों में उनका काम आवेज़ा किया गया है। उसके अलावा मेरे वालिद साहब ने कुछ खत्ताती के हवाले से तसानीफ़ की, वो भी मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ में और यूनिवर्सिटीज़ में यानी थीसिस के हवाले से काम आती हैं और उनके हवाले दिए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुख्तार साहब चूँकि आप ख़ुद भी बाहर से सीख कर आए हैं और अपने बच्चों को ज़ाहरी बात है आप भी सिखा रहे होंगे, तो पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो खत्ताती की लर्निंग को लेकर, सिखाने को लेकर कितना आपने रुझान पाया है? देखिए ये माहौल की बात है, और थोड़ा सा मीडिया का भी काम करने की ज़रूरत है कि हम यानी जिस तरह दूसरे फ़नून को उजागर करते हैं, जो फ़ाइन आर्ट्स के मुख्तलिफ आर्ट हैं, मसलन कैलीग्राफी है, उसके हवाले से हम थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा करें, तो यकीनन बच्चे जो है ये सीखते हैं, और स्कूल्स की सतह पर हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करते हैं और उनको जब खूबसूरत लिखना सिखाते हैं तो उनमें एक शौक पैदा होता है, और वो चाहते हैं कि हमारा हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा हो, ताकि हम जब भी अपने पेपर्स जो हैं वो करें तो हैंडराइटिंग की वजह से हम जो है वो खूबसूरत लिखना जानते हैं। तो आप ख़ुद भी सिखाते हैं अपने बच्चों के अलावा यंगस्टर्स को पढ़ाते भी हैं? जी जी बिल्कुल, मैं मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों में खत्ताती के हवाले से अवेयरनेस पैदा करता हूँ और उस पर लेक्चर देता हूँ, और उसके अलावा मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यानी फ़ाइन आर्ट्स के इस शोबे की तरफ लेकर
आता हूँ मैं। तो यंगस्टर्स के अंदर अब आप चूंकि लेकर भी आते हैं तो कितना रुझान और शौक देखते हैं जो प्रोफेशनली वो इसे ऑप्ट कर सके? देखिए शौक तो बच्चों में मौजूद है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा माहौल यानी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर हमें थोड़ा सा इसे फोकस करने की और अरेंज करने की ज़रूरत है। तो यकीनन यानी ये जो कैलीग्राफी का फ़न है बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं और उनमें बड़ी तब्दीली आ सकती है। तो सर कैलीग्राफी के अलावा क्या करते हैं आप, मज़ीद भी कुछ शौक़ हैं आपके? जी मैं शायर हूँ, मेरे 3 शेरी मजमूए शाया हुए हैं और 1992 में BBC ने एक इंटरनेशनल कंपटीशन टॉप 10 पोइट्स, यंग पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें मुझे सेलेक्ट किया था। तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। मेरे 3 शेरी मजमूए छपे हैं, एक ये मेरा शेरी मजमूआ है कर्ज़ हुनर, ये जद्दा से शाया हुआ और मैं इसमें से आपको एक नज़्म जो कि मैंने खत्ताती के मौजू पर कही है वो मैं पेश करता हूँ। उसका उनवान है खत्तात। असल में बहुत कम ऐसा होता है कि शायरी और खत्ताती दोनों फ़नून किसी एक शख्सियत को अल्लाह ताला अता करता है। तो मुझे ये फ़न के ज़रिए से ये कहने का मौका मिला कि एक खत्तात जो है जब काम करता है तो उस वक्त उसकी क्या कैफियत होती हैं, वो मैंने इस नज़्म में बयान की हैं। इस नज़्म का उनवान है खत्तात। कलम हाथों में आते ही हमारी उंगलियां यूं रक्स करती हैं कि नुक्ते, दायरे, अल्फें, कशिश और ज़ेर, ज़ब्र व पेश बाहम झूमते गाते कलम की बज़्म को आरास्ता करते हैं, अपने हुस्न के जलवे दिखाते हैं। हमारी खुशनवीसी दर हकीकत रमज़ है एक ख्वाब की, एक इश्क की, एक जस्तजू की। अज़ल से ता अबद जो खालिक व मखलूक का बाहम ताल्लुक़ है, कलम से लफ्ज़ का भी हूबहू वैसा ही रिश्ता है। हमारे लफ्ज़ की तौकीर कुन के दायरे के दरमियाँ नुक्ते में पिन्हा है, उसी नुक्ते में पिन्हा रम्स को हम अपनी तहरीरों में अक्सर आशकारा करते रहते हैं, हमें खत्तात कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा इसके अलावा ये तो चले खत्ताती हो गई, आपकी शायरी का महवर और क्या मौजूआत रहते हैं? देखिए ज़्यादातर समाजी मौजूआत हैं, उसमें कुछ रोमानवियत भी है और कुछ जाहिर है कि ज़िंदगी भर के जो तजर्बात होते हैं उनको आप अपनी शायरी का हिस्सा बनाते हैं। तो मिसाल के तौर पर मुझे बैरून मुल्क जाने का इत्तफाक हुआ तो यानी मुझे एक नज़्म अता हुई, वो मैं नज़्म आपको सुनाता हूँ। बहुत कम वक्त था, उस नज़्म का उनवान है बहुत कम वक्त था जब हम बिछड़ने के मराहिल में थे और लम्हे बहुत तेज़ी से गुजरे जा रहे थे। वो आँखें, वो मोहब्बत से भरे दो जाम छल के और मेरी रूह के पाताल से एक मौज गम उठी। स्टेशन, रेलगाड़ी, मैं, मेरा सामान और सारे मुसाफिर, सब मनाजिर उसकी नम आँखों में गर्दिश कर रहे थे। कई बातें, कई जज्बे कभी होंठों कभी आँखों तक आकर ठहर जाते थे। बहुत कम वक्त था और दफ़तन सीटी बजी, गाड़ी ने जुम्बिश ली, बहुत से हाथ लहराए, कई आवाज़ें टकराईं, कई आँखें भर आईं और फिर कितने ही सैयारे सितारे अपने महवर से निकल आए। बहुत कम वक्त था। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। सर तो आपको ट्रैवल का शौक है, कौन कौन सा इलाका पाकिस्तान का देखा हुआ है? देखिए मैं तो जब बाहर होता था तो मैं सोचता था कि काश पाकिस्तान में कोई ऐसा चैनल हो जिसमें पाकिस्तान के इतने खूबसूरत एरियाज हैं जिनको दुनिया को दिखाया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि डिस्कवर पाकिस्तान अपनी टीम के साथ इतना खूबसूरत काम कर रहा है कि वाकई इनको दाद देने को जी करता है। और मैं जब भी पाकिस्तान वोकेशन पर आता था तो मैं बच्चों को लेकर मुख्तलिफ, इतना पाकिस्तान ज़रखेज़ है और इतनी खूबसूरती है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यानी शुमाली जो इलाका जात हैं वो और उसके अलावा हंजा और सकरदू और देवसाई ख़ास तौर पर ये इलाके और हमारे जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं जैसे उच शरीफ है, अभी बहावलपुर की जो मस्जिद आपने दिखाई वो हमने बच्चों को दिखाई और उसके अलावा किला दिरावड़ है और रहीम यार खान का इलाका है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरती को डिस्कवर पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में फैला रहा है वो हमारे लिए बड़ी खुशगवार बात है। बिल्कुल जी। अच्छा सर इतना एक्सपोजर है माशाल्लाह आपका, तो कोई सोचा है कि पाकिस्तान में भी या किसी शहर में कोई ऐसी मस्जिद हो जहाँ पर आप काम कर सकें या आपका डिस्प्ले हो?
असल में मसाजिद में जो खत्ताती का काम होता है वो तो हमने किया है, मसलन टाइल्स पर जो वर्क किया जाता है वो उसके लिए खत्तात की ज़रूरत होती है। तो यानी पाकिस्तान की बेशतर मसाजिद में उस तरह से काम करने का मौका मिला, लेकिन हमारे यहाँ म्यूज़ियम्स की कमी है और आर्ट गैलरीज़ की कमी है। अगर पाकिस्तान में हर शहर में एक दो आर्ट गैलरीज़ हों और एक म्यूज़ियम हो तो उससे हमें अपने फ़नून और तारीख़ को प्रिजर्व करने में और बच्चों को यानी उस तरफ लाने में, उनका शऊर उजागर करने में मुआवनत मिल सकती। तो सर इतने मास्टरपीसेस आपने तख्लीक किए होंगे, अपना कौन सा मास्टरपीस है आपके बहुत दिल के करीब है? मैंने पाकिस्तान के लफ्ज़ की एक कैलीग्राफी की थी जो कि इस्लामाबाद में नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के गैलरी में वो लगाई जब, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए तो वो वहाँ रुक गए और उन्होंने कहा भाई आज तक किसी खत्तात ने पाकिस्तान के लफ्ज़ की कैलीग्राफी इस अंदाज़ में नहीं की, तो आपने क्योंकि ये कैलीग्राफी इस तरह अंदाज़ में की है तो उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे अप्रिशिएट किया और वो जो फनपारा था वो प्रेसिडेंट हाउस के लिए उन्होंने यानी वो मुझसे उन्होंने ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी मेरे फ्यूचर प्लान्स में ये शामिल है कि मैं पाकिस्तान के हर शहर के नाम की कैलीग्राफी करूं और जब भी किसी सोशल मीडिया पर या गूगल पर लाहौर या मुल्तान या इस्लामाबाद सर्च किया जाए तो सबसे पहले उसके नाम की जो कैलीग्राफी है वो सामने आ जाए और लोग उसको इस्तेमाल करें, अपने घरों में लगाएं। तो सर हर एक का कोई गोल होता है, आपके फ्यूचर प्लान्स में शहरों की खताती तो शामिल है ही, कितना वक्त लगता है आपको एक प्रोजेक्ट पूरा करने के अंदर? देखिए डिपेंड करता है कि जब आप किसी भी शहर के नाम की या किसी की भी नाम की कैलीग्राफी की कंपोजिशन बनाते हैं तो उसमें दो तीन मुख्तलिफ स्केच करते हैं, उसमें से फिर एक सेलेक्ट करते हैं, यानी दो से तीन दिनों में आप एक अच्छी कंपोजिशन बनाने का वक्त जो है ना वो लगा सकते हैं और उसके बाद उसे फिनिश करने में मज़ीद दो दिन का इजाफा किया जा सकता है, यानी एक हफ्ता तकरीबन समझिए कि एक फन पारा तैयार करने में सर्फ होता है। तो सर अब आप चूँकि अपने बच्चों तक भी आर्ट मुंतकिल कर रहे हैं तो वो माशाल्लाह कितने ट्रेंड हो चुके हैं? देखिए इस हद तक तो ट्रेंड हैं कि जो अपनी अपनी क्लासेज हैं उनमें सबसे बेहतरीन हैंड राइटिंग उन्हीं का है, तो जब भी किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है तो वो उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव भी करवा देते हैं, तो इस हद तक मैंने अपने बच्चों को हैंड राइटिंग सिखा दी। आपके जो वालिद साहब और दादा का काम है आपको लगता है आप उनसे बेहतर करते हैं या वो बेहतरीन था? असल में ऐसा है कि उस वक्त और उस दौर के हिसाब से उन्होंने जो रिवायती काम किया तख्लीकी हवाले से उसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि उसकी एक तारीखी अहमियत है। आजकल क्योंकि मॉडर्न आर्ट है और कुछ यानी चीज़ें वो डिजिटलाइज हो गई हैं तो उसकी वजह से ज़ाहिर है अब उस तरह का काम नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपने दौर के हिसाब से आजकल जो डिमांड है यानी फ़ाइन आर्ट्स के हवाले से और कैलीग्राफी के हवाले से वो हम कर रहे हैं और बेहतर अंदाज में करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कोई आखिरी मैसेज यंगस्टर्स को देना चाहेंगे इस कैलीग्राफी से मुताल्लिक? बस मैं तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों को बल्कि नौजवानों को फ़ाइन आर्ट्स की तरफ आना चाहिए क्योंकि इससे जो है आप सॉफ्ट इमेज अपनी शख्सियत का भी और अपने पाकिस्तान का भी पूरी दुनिया में उजागर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुख्तार अली साहब आपके वक्त का, आपके टाइम का, आप यहाँ पर आए और बड़े खूबसूरत बातें भी की, शेर व शायरी भी की और अपने एक्सपीरियंसेस भी कैलीग्राफी के हवाले से शेयर किए। बेशक पाकिस्तान का ऐसे ही आर्टिस्ट जो हैं वो असासा हैं हमारे लिए और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात, इन्हीं की वजह से हम जाने भी जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं। तो जनाब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक और अब चलते हैं अपने सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स की जानिब। तो जनाब जो दो ब्रांड्स हम आपको आज बताने वाले हैं उनमें से पहला तो है ओरिएंट। यहाँ पर भी अब चूंकि विंटर्स गोइंग अप और समर्स आ रहे हैं
तो समर सेल अप टू 50% ऑन सिलेक्टेड आइटम्स आप अवेल कर सकते हैं इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन। और इसके अलावा जो दूसरा ब्रांड है वो है लखानी, यहाँ पर विंटर क्लियरेंस सेल है अप टू 50% ऑफ ऑन अनस्टिच रेडी टू वेयर किड्स वेयर एंड मोर। तो इससे पहले कि मौसम चला जाए और आप पछताते रह जाएं, बेहतर है इन दोनों ब्रांड्स को कीजिए अवेल। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें कुछ सेहत के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, तो हमारा सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस, उसकी जानकारी चलते हैं। तो जनाब, हम अक्सर हेल्थ और फिटनेस के अंदर ये तो बात करते हैं कि अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, फिट रखें, कौन सी ऐसी फिटनेस रूटीन्स हमें अपनानी चाहिए, हेल्थ वाइज हमें किस तरह अपने आप को बेटर रखना चाहिए। लेकिन अक्सर हमारे घरों में हमने पालतू जानवर भी रखे होते हैं और उनकी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। एक तो वो जानवर हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, सड़कों पर होते हैं, लेकिन जो आप जानवर घर पे रखते हैं उनकी सेहत भी इक्वली उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके घर के एक फर्द की हैसियत से आपके साथ रहते हैं। और अगर उनकी सेहत अच्छी होगी तो आपकी पूरी फैमिली को भी, अक्सर लोगों को खदशा होता है ना किसी जानवर से कोई इन्फेक्शन लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, वो भी जो डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर होते रहते हैं। इसीलिए आज हमने दावत दी है, हमारे पास वेटनरी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सजाद साहब, और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, जानवरों की सेहत के हवाले से डील करते हैं, उनका इलाज करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सर, पहले तो बहुत ज़रूरी है ये इमेज लोगों को और अवेयरनेस देना कि आपने जो घर पर कोई भी जानवर रखा है, चाहे वो कुत्ता है या बिल्ली है या कोई बर्ड्स हैं, उनकी सेहत आपकी सेहत पर कितना इफेक्ट करती है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। जी। एनिमल आपकी लाइफ का बड़ा इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है। बड़े लोग जिनको साइकोलॉजिकल मसला होता है कोई, जिसको वो फिर साइकोलॉजिस्ट एडवाइस करता है कि आप कोई ना कोई पेट रखें ताकि आपकी उसके साथ अटैचमेंट हो, आप थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करो, काम डाउन होने की तरफ आओ। तो एनिमल एज अ फैमिली मेंबर बड़े लोगों की लाइफ में एग्जिस्ट करता है। और पाकिस्तान में तो ऐसा इतना ज़्यादा ट्रेंड अभी स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ है, बाहर तो वो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पेट को अजीज रखते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल उनके बच्चों की तरह होता है, तो वो उसकी काफ़ी केयर करते हैं। और ये आंसर कि अगर किसी जानवर को कोई इन्फेक्शन लगी है, फॉर एग्जांपल कुत्ता तो वैसे भी घर की हदूद से अक्सर बाहर ही होता है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें कमरों में भी ले आते हैं, लेकिन बिल्ली और बर्ड्स ऐसे जानवर हैं जो अक्सर हमने घरों के अंदर भी रखे होते हैं, उनसे अगर वो बीमार हो जाएं या फिर अगर कोई इन्फेक्शन कैरी करें, ह्यूमन एलिमेंट कितना उससे कैरी करता है। ज़्यादातर जो इनके वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट वैक्सीन आती है, जैसे अगर सबसे इम्पोर्टेंट रेबीज़ का एक वायरस होता है जिसे बावलापन भी आम जुबान में कहा जाता है, मेजरली डॉग्स में होता है, कैट्स में भी रेयरली आता है, लेकिन इसके अगेंस्ट वैक्सीन आती है। अगर आपने पेट रखा है और आप उसकी वैक्सीन टाइम टू टाइम करवाते रहते हो, जो आपको उसका आपका वेट एडवाइस करता है, तो उसके लिहाज से अगर आप चलते रहते हो तो आपको उससे एज सच जूनोटिक डिजीजेज जो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, तो वो होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, अब ज़रा इंडिविजुअली हम उन पर आ जाते हैं सेहत के हवाले से। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बिल्लियाँ अपने घरों में रखते हैं, बिल्लियों की कितनी देर बाद वैक्सीनेशन लाजमी है और उन्हें करवाते रहना चाहिए? बेसिक सी जो मैनेजमेंट होती है कि मिनिमम एज 2 मंथ्स की एज पे वैक्सीन स्टार्ट होती है कैट्स के केस के अंदर। फर्स्ट शॉट लगता है, उसके 21 डेज के बाद उसका बूस्टर रिपीट होता है, उसके बाद वो एनुअली बूस्टर पे चली जाती है, सालाना एक टीका रिपीट होता है, वो लगवाते रहो तो वो 4 वायरसेस से कवर हो जाती है इंक्लूडिंग रेबीज, बाकी 3 उसके अपने डेडली वायरस होते हैं, कैल्सी होता है जिसमें जुबान पे छाले निकल आते हैं, पैनिकोपिनिया को होता है जिसके अंदर बिल्ली उल्टिया मोशन स्टार्ट कर देती है और ठंडी और पानी वाली जगहों पर जाकर बैठती है, तीसरा राइनोटेकाइटिस का वायरस होता है, चौथा रेबीज। तो ये 4 वायरसेस कवर होते हैं। आपने 45 डेज पे इसकी डिवर्मिंग कर लें, पेट के कीड़ों की मेडिसिन होती है, उसके बाद 2 मंथ्स पे वैक्सीन का फर्स्ट शॉट, आफ्टर 21 डेज बूस्टर, देन एनुअली। ये उसकी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जो वैक्सीन और डिवर्मिंग की होगी। डिवर्मिंग से पेट के कीड़े जो उनके होते हैं जिसकी वजह से वो खाना खाते हैं उनको लगता नहीं है, या उल्टिया या मोशन करते हैं तो उसमें निकल आते हैं उनके वर्म्स, या ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो वो इससे कवर हो जाता है। इसके अलावा इनकी बेसिक ग्रूमिंग मैनेजमेंट होती है कि आप डेली उनको कॉम्ब करें ताकि उनके टैंगल्स नोट्स ना बने, उनके बाल ना जुड़े, आप डेली आइज क्लीन करो ताकि उनकी स्टेनिंग ना हो, नहीं तो वो आइज के नीचे वाला जो स्किन का पोर्शन होता है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। आपको वंस इन अ वीक उनके ईयर्स को क्लीन करना चाहिए ताकि कानों में उसके ईयर माइट छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कानों में पस पड़ जाती है। तो आप वंस इन अ वीक ईयर क्लीन कर लें, डेली आइज को क्लीन करें, डेली कॉम्ब करें,
वैक्सीन और डिवर्मिंग करवाएं, ये बेसिक 5 पैरामीटर्स हैं, इनको आप लेके चलते हो तो आपके पेट को कुछ भी नहीं होता। सेम चीजें डॉग्स के लिए भी हैं, उनका वैक्सीन का स्केड्यूल जो है वो 45 डेज पे स्टार्ट हो जाता है, उनको 4 शॉट्स लगते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस आता है, बाकी बेसिक मैनेजमेंट मोर और लेस उनकी सेम होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर लोग कंसर्न भी होते हैं, इनका इलाज अक्सर महंगा होता है, कितना महंगा ये है पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली? बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। इतना है कि एवरेज एक मीडियोकर पर्सन अफोर्ड कर सकता है, अंटिल और अनलेस उसका कोई मेजर मसला नहीं। और पाकिस्तान में तो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, जो बड़ा अच्छा डील करते हैं। हॉस्पिटल के नाम से जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, वो गवर्नमेंट का, वहाँ पे 50 रुपए की पर्ची बनती है, आप वहाँ पे जाके चेक करवाएं, आपने मेडिसिन खुद परचेज करनी है, डॉक्टर की कोई फीस नहीं होती। बाकी प्राइवेट क्लिनिक तो जगह जगह पे हैं, आप जाके अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, जो आपके पास है, कन्वीनियंस है आपको, तो आप वहाँ पे जाके चेक करवा सकते हो उसके। वैसे आप चूंकि अब डील भी करते हैं साहब, तो कितना रुझान अब लोगों में है घर पे ऐसे जानवर रखने का? और काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुका है, पहले कम होता था, लोगों के घर छोटे होते थे, तो जिनके पास छोटा होता है वो 3-4 कमरों का जिसका घर होता है वो बिल्ली रख लेता है, एक कैट रख के वो आराम से घर के अंदर फिर लेती है, नहीं तो फिर जिनके पास बड़ी स्पेस होती है वो डॉग रखते हैं, कुछ ब्रीडिंग का काम करते हैं कि बाहर से लाखों की बिल्लियां इंपोर्ट करवा के या डॉग्स को इंपोर्ट करवा के तो उनकी ब्रीडिंग करवा के तो फिर आगे उनकी सेल एंड परचेज करते हैं, एज अ प्रॉपर बिजनेस लेके चलते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने घर पे बर्ड्स रखी होती हैं, तोते रखे होते हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए क्या जरूर, उनकी भी वैक्सीन होती है? उनकी वैक्सीन होती जरूर है, पाकिस्तान में पैरट्स के केस के अंदर, तोतों के केस के अंदर उनकी वैक्सीन नहीं आती। इसके अलावा अगर आप कबूतर देखे हैं, आप मोर को ले लें, इन सारों की वैक्सीन साजी तो बहुत है भी पाकिस्तान के अंदर। आप मुर्गी को ले, देसी मुर्गी या फैंसी जिन्होंने रखा होता है, तो उनकी वैक्सीन आती हैं और वो डिफरेंट इंटरवल्स के साथ उनको लगती रहती हैं। और इसके अलावा जिन्होंने घोड़े रखे होते हैं, घोड़ों के भी यंग कैटल, और इसके लिए तो बाकायदा है हुकूमत प्रोग्राम भी करती है। लोगों ने वाइल्ड एनिमल्स रखे होते हैं, लायंस, लेपर्ड, इनके रखे होते हैं, तो वो ला के चेक भी करवाते हैं, नहीं तो फिर अपने फार्म पे बुलवा लेते हैं और वहाँ पे विजिट करवा के, तो जो उनकी मैनेजमेंट का मसला आ रहा होता तो वो डिस्कस करके तो उसके लिहाज से उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना लेते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल यंगस्टर्स में कितना रुझान है वेटनरी डॉक्टर्स बनने का या फिर इस खिदमत को, बिकॉज ये भी एक खिदमत ही है ना, आप जानवरों की सेहत का ख्याल? पहले इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को नज़र आता है कि इसमें भी स्कोप है, तो इसमें भी आगे काफ़ी फील्ड्स आती हैं कि आप देखो, अगर आप DVM करते हो तो सिर्फ आपके पास पेट की फील्ड नहीं है, आप पोल्ट्री पे जा सकते हो, आप डेयरी पे जा सकते हो, आप मार्केटिंग पे जा सकते हैं, आप टीचिंग पे आ सकते हैं, आप सेल्स पे जा सकते हो, और पेट तो है ये, तो ये काफ़ी आगे आपके पास लाइन होती हैं, तो काफ़ी अच्छी फील। अच्छा, वो यानी कि काफ़ी वसी हो गया है। अच्छा, एक मुझे चीज़ बताइएगा, अक्सर लोग फैंसी जानवर रखना बड़ा पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बिल्लियों में है तो बहुत बालों वाली हैरी कैट्स उन्हें पसंद होती हैं, या फिर डॉग्स हैं तो उनमें भी बड़ी खूबसूरत डॉग्स इस तरह है, उनके लिए टेम्परेचर भी कोई मौजू होना ज़रूरी है आपको फिर उनको मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट की ब्रीड नहीं है। अगर हम अपनी डोमेस्टिक कैट को देखें तो डोमेस्टिक शॉर्ट हेयर हमारी गलियों में फिरती है, तो अल्लाह ताला ने उसके बाल बिल्कुल छोटे छोटे बनाए क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट में पैदा हुई है, उसने यहाँ पे रहना। हम बाहर से इंपोर्ट करके लेके आते हैं, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर ले आए, आप स्कॉटिश फोल्ड ले आए, आप पर्शियन ले आए, तो हमारे इन्वायरमेंट की नहीं है, तो आपने अगर उसको मैनेज करना है तो फिर जैसा वहाँ पे उनको इन्वायरमेंट मिला था आपको वैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको AC लगाना पड़ेगा, आपको गर्मी में उसके बाल छोटे करवाने पड़ेंगे, जैसी वो वहाँ पे फूड खाती थी, कमर्शियल महंगा था, सस्ता था, आपको वैसा उसको देना पड़ेगा, अदरवाइज वो बीमार होने की तरफ जाने स्टार्ट हो जाएगी। और ये कैट फूड और डॉग फूड पे तो स्पेशल शिकायत भी आती है, हुकूमत ने बड़ा टैक्स लगा दिया है, रिसेंटली उन्होंने काफी टैक्स लगाया, वो काफी महंगा है, हजारों में से बढ़े हैं उनके, तो ये जो फिर इंडोर कैट्स और ये हमने रखी होती है, इन्हें ये डॉग्स रखे होते हैं, इन्हें फिर हम सादी गिजाओं पे भी लगा सकते हैं? आप रोटी, सालन, इस तरह की चीज़ें नहीं दे सकते, इनसे एलर्जी होना स्टार्ट होती है। अच्छा। रोटी में ग्लूटन होता है, हमें कुछ नहीं कहता, इनको बहुत कुछ कहता है, तो इनके बाल उतरना स्टार्ट हो जाएंगे, उससे रैश भी होते हैं, सारी उसकी स्किन खराब हो जाती है, बाल उतर जाते हैं। तो अच्छा, अगर एक मिथ को भी जरा क्लियर कीजिएगा, जब कोविड आया तो अक्सर लोगों ने कहा कि ये जानवरों के थ्रू भी फैलता है, कि अगर किसी को कोविड हो गया, घर में जानवर है, तो फिर बाकियों को भी कोविड हो जाएगा, इन्होंने कैरी किया कोई ऐसा केस पाकिस्तान में? कुछ रिसर्च पेपर जरूर थे इस तरह के, ह्यूमन से कैट्स के अंदर ट्रांसमिशन रिपोर्ट हुई है, लेकिन कैट्स टू ह्यूमन या डॉग्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। अच्छा, कोविड पाकिस्तान में आज सच में नहीं आपके पास रिपोर्ट? पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है, कि कैट्स कैरी जरूर कर सकती हैं, कि अगर मुझे कोरोना हुआ और मैं किसी कैट को ज़्यादा हैंडल करता हूँ तो मेरे से कैट को जरूर हो सकता है, लेकिन कैट्स से ह्यूमन वाली साइड पे आना ये अभी तक, इंसान जानवरों के लिए जरूर खतरा है लेकिन जानवर कोविड के लिए खतरा नहीं है। अच्छा सब, ये बताइएगा कि अब अक्सर ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स में आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे जो जानवर शायद लोगों के हैं भी नहीं,
और उन्हें सड़क पे कोई जख्मी मिल गया, ऐसे कितने वाकयात परसेंट में आते हैं कि किसी के दिल में दर्द है और कोई हर्ट जानवर को ले आए हॉस्पिटल? कैट लवर है, जो ब्रीड लवर नहीं है, तो उनको कोई भी चीज़ ज़ख्मी मिलती है, वो चाहे चील हो, वो कौवा हो, वो चाहे कोई कैट हो, तो उसको रेस्क्यू करवा के तो लेके आते हैं, एडमिट करवाना पड़े उसको एडमिट करवाते हैं, उसका जितना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है वो करवाते हैं। बास एनजीओस भी हैं जो इस काम के लिए काम कर रही हैं, डिफरेंट जगहों पे जाती हैं, वहाँ से रेस्क्यू करके उठा के तो वो फिर अपने एक्सपेंस पे। गवर्नमेंट के लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उनको स्पॉन्सर करे या उनको अडॉप्ट कर ले और खुद उनका ट्रीटमेंट करे, लेकिन लोग इंडिविजुअली लाते ज़रूर। अच्छा, कोई ऐसा सिस्टम यहाँ पर मौजूद है कि अक्सर कोई जानवर बीमार है या कोई बड़ा सवेर बीमार है तो उसके लिए ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कि आप उस जानवर को ले लें और एडमिट कर लें विदाउट द ऑनर, उसके बगैर, और फिर जब ठीक हो जाए तो वापस करते हैं, ऐसा भी कोई सिस्टम पाकिस्तान में है? बिल्कुल, डिफरेंट क्लिनिक्स हैं, हम एडमिट करते हैं, डिफरेंट और भी क्लिनिक्स हैं वो एडमिट करते हैं जितने दिन की बोर्डिंग। बाज लोगों ने ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन करवा के वो एडमिट करवा देते हैं कि जी जब सही होगी तो फिर आप वापस कर दीजिएगा हमें, तो उसकी प्रॉपर केयर करके उसके स्टिचेस हील करवा के तो उनको फिर वापस कर उन्हें मतलब वापस कर देते हैं। तो जनाब, ये एक सदका जारिया का ही काम है कि आप किसी जानवर, बिकॉज जानवर तो वैसे ही बेजुबान होते हैं। तो सर, आप और आप जैसे जितने भी डॉक्टर्स हैं, एक तो मेडिकली तकलीफ तो समझ ही लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा सा, बिकॉज हर जानवर के अपने इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं, वो भी आप थोड़ा समझ लेते हैं? बाज स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनके ओनर अगर बाहर चले जाए या खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाए तो फिर उनको पैम्पर करना पड़ता है, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं उनको, तो वो फिर उसके लिहाज से फिर उनको टैकल करना पड़ता है। बाज को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देनी पड़ती है। जानवरों में डिप्रेशन भी होता है? बिल्कुल होता है, वो अपने ओनर के साथ बड़ा अटैच होते हैं, तो अगर उनके ओनर कहीं चले जाएं या उनको कुछ खुदा न खास्ता हो जाए तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, डाउन से होके बैठ जाते हैं। अच्छा, अक्सर डॉग्स में तो ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बिल्लियों के बारे में ये कहा जाता है कि शायद वो घरों से ज्यादा अटैच होते हैं, लोगों से नहीं होते हैं, उनमें भी डिप्रेशन ज्यादा, जरा सेल्फिश टाइप होती है। डॉग जरा अपने ओनर के लिए जीने मरने वाला हिसाब होता है उनका, कि वो अपने ओनर के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्लियां तो बस कहती हैं कि आए हो तुम, प्यार करो, बस चले। अच्छा, और कौन से ऐसे जानवर मौजूद हैं जिनका आप समझते हैं कि थोड़ा सा अभी उनके हवाले से इलाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचा, या अगर वो लोग घर में रखते हैं तो उनके लिए जरा मुश्किल होती है उन्हें टेक केयर करते हुए? बस वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनका पाकिस्तान में जैसे जू के अंदर उन्होंने डिफरेंट रखे होते हैं एग्जोटिक एनिमल्स, तो उनके डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज और वैसा नॉलेज अभी पाकिस्तान में ऐसा इतने लेवल पे नहीं पहुंचा कि हम उनका कोई मसला हो, जैसे सिटी स्कैन का पाकिस्तान में फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो इसी तरह टोपोग्राफी होती है, टोमोग्राफी होती है, तो ये वाली चीज़ें पाकिस्तान में ऐसा अभी तक इतनी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा ह्यूमन साइड को ज़्यादा फोकस करती है, तो एनिमल जानवर है क्या है, तो वो वाला उनका ज़रा सिनेरियो चलता है, तो वो इतनी ग्रांड नहीं आती एनिमल वाली साइड पे। आएगी तो डिफरेंट फैसिलिटीज पाकिस्तान में हैं, तो मज़ीद बेहतर ये सेटअप होने, या फिर ज़्यादा उन मवेशियों के हवाले से जो कि जिनका ताल्लुक जिस तरह गाय हो गई, बकरे हो गए, इस तरह के, उसके ऊपर शायद ज़्यादा फोकस हुकूमत करती है और बाकी, क्योंकि वो एडिबल आइटम्स में आता है ना, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा फंडिंग भी आ जाती है कि ह्यूमन साइड पर उसकी कंजप्शन, कैट्स डॉग एज अ पेट, तो इनकी इससे ज़्यादा और कोई कंसर्न नहीं है। सर, एज अ डॉक्टर आप किस चीज़ पे फोकस दिलवाना चाहेंगे जिस पे काम होना ज़रूरी है और उसे इग्नोर किया जाता है? पाकिस्तान में पेट्स के ऊपर रिसर्च नहीं होती ऐसा कि डिजीज़ आई है हमारे यहाँ पे, कौन सी डिजीज़ ज़्यादा प्रिवेलेंट है हमारे पास, इवन जो वैक्सीन आती है वो बाहर की बनी हुई है, उन्होंने अपने वायरसेस अपने लिहाज से जो उधर वायरस का जीनोम पाया जाता था उसके लिहाज से बनाई है। जैसे हम कोरोना की वैक्सीन की अगर एग्जाम्पल लें तो जो अंग्रेजों ने गोरों ने बना दी हमारे पास वही आ गई। अच्छा, यानी पाकिस्तान में आज कोई रिसर्च नहीं करता? पाकिस्तान में ऐसा रिसर्च नहीं कि पाकिस्तान की लोकल कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है पेट वाली साइड। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बेशक बहुत ही अवेयरनेस मिली स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने जानवर घर पे रखे हैं या जिन्हें शौक है वो जानवर रखे, तो अगर आप रखना भी चाहते हैं तो प्रॉपर केयर के साथ रखें और डॉक्टर के साथ इन टच रह के रखें, जिस तरह आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं सर, जानवरों के लिए भी अपना ज़रूर एक डॉक्टर रखें, बिकॉज उनकी हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है, और अगर वो सेहतमंद हो गए तो आपका पूरा घर भी सेहतमंद होगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। तो जनाब, इवेंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बुक लवर्स के लिए, कुतुबीनी का जिन्हें शौक है उनके लिए है। एटकॉन पब्लिस एसोसिएशन जो है बिगेस्ट बुक फेयर लाहौर के लिए लेकर आ रहे हैं, प्रीमियर इंटरनेशनल बुक फेयर है जो कि 11, 12 और 13 मार्च को एक्सपो सेंटर लाहौर में होने जा रहा है। बिल्कुल फ्री इसकी एंट्री है, डिस्काउंट्स आपको यहाँ पर बुक्स पर मिलेंगे, फूड स्टॉल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उसके अलावा फेमस राइटर्स यहाँ पर मौजूद होंगे जो आपको मिलेंगे, और स्पेशली अच्छी बात तो ये है कि आप जाइए, अपने बच्चों को भी लेकर जाइए और उन्हें भी किताब से जोड़िए,
किताब का शौक़ पैदा की, जो मेरा ख्याल है इसी को चैलेंज भी होना चाहिए टुडेज़ इवेंट के साथ, कि कुतुबबीनी को फ़रोग दीजिए, अपने बच्चों को भी इस इवेंट पे लेके जाइए, ख़ुद भी जाइए और कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई स्टोरी बुक जो है किसी बच्चों को लेके दीजिए, ताकि उन्हें पता हो कि उन्होंने इसको पढ़ना है, और अगर वो ख़ुद नहीं पढ़ सकते तो आप ख़ुद उन्हें रीड करके दें, इससे ये होगा कि उनमें आहिस्ता आहिस्ता बुक्स पढ़ने का शौक़ जो है वो पैदा हो जाएगा। तो इस तरह हम बुक कल्चर जो है उसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं और थोड़ा सा बच्चे को टेक्नोलॉजी और टैब की दुनिया से और गैजेट से ज़रा दूर रख के किताब के साथ हमें कनेक्ट करना चाहिए। और किताब जब आप पढ़ते हैं, किताब हाथ में लेके, उसका एसेंस कुछ और होता है बजाय इसके कि आप कोई किताब ऑनलाइन पढ़ें, उसका एसेंस कुछ और होता है। तो जनाब इसको चैलेंज समझिए अपने लिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा के जरिए भी आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए शो से मुतालिक, और हमें आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा, हमें आपकी दुआओं का भी इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, कल होगी आपसे फिर से मुलाकात। अल्लाह।